ऐसे ही और भी एपिसोड को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। रजनी अमोदिता की बात मान ही जाती है और कहती है, ठीक है तो इतना पूछ रही है तो बता ही देती हूँ आज तुझे कि मुझे तेरी मन की बात कैसे पता चल जाती है। अमोदिता उत्साहित होते हुए कहती है, हाँ माँ बताइए ना जल्दी। रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, देख मैं तेरी माँ हूँ ना, और माँ को उसके बच्चे की मन की बात पता नहीं होगी तो किसे होगी। अमोदिता अपनी माँ को तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, माँ मुझे पता है कि तुम मेरी माँ हो, पर तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुमसे एक कदम आगे हूँ। सच सच बताओ ना, तुमको कैसे मेरे मन की बातें पता चल जाती हैं? अरे बताती हूँ, दम भर थोड़ा, सांस तो लेने दे पहले। इतना कहकर रजनी एक लंबी सांस लेती है और कहती है, देख अमोदिता, हम जो सौदाइन होती है ना, हमारे पास एक दिव्य शक्ति होती है जिससे हम मन की बात जान सकते हैं। रजनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अमोदिता उसे बीच में टोकते हुए कहती है, इसका मतलब माँ तुम सबकी मन की बात जान लेती हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तुमसे टेक्निक सीख लेती और युग जी के मन की बात जान लेती कि उनके मन में क्या चल रहा है, कहीं उनके मन में मेरे सिवा कोई और लड़की तो नहीं है। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, पूरी बात सुनती नहीं और बीच में बकबक करना पहले शुरू कर देती है। अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है, वो एकदम चुप हो जाती है। रजनी कहती है, एक सौदाइन सिर्फ दूसरी ही सौदाइन के मन की बात जान सकती है और किसी की नहीं, समझी? रजनी जवाब देती है। अमोदिता उदास होते हुए कहती है, मतलब तुम सिर्फ मेरे मन की बात जान सकती हो और किसी की नहीं? रजनी जवाब देती है, हाँ और नहीं तो क्या, वरना तूने क्या मुझे अंतर्यामी समझ कर रखा है जो मैं सबके मन की बात जान लूंगी? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं ना वो पागल वंदना के मन की बात जानती कि आखिर उसके मन में चलता क्या रहता है, उसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है। अमोदिता अपनी माँ पर शक करते हुए पूछती है, क्या सब कुछ माँ? रजनी चुप हो जाती है और मन ही मन कुछ सोचने लग जाती है। अमोदिता ये बात नोटिस कर लेती है कि जरूर रजनी कुछ न कुछ तो सोच रही है। अमोदिता बड़ी ही चालाकी से रजनी से पूछती है, माँ कहीं आप फिर से मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी? अरे नालायक, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे तुझसे झूठ बोलने से क्या मिलेगा भला? अमोदिता फटाक से बोलती है, अगर माँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही तो एक बात बताओ, अगर एक सौदाइन दूसरी सौदाइन के मन की बात जान सकती है तो फिर मैं तुम्हारे मन की बात क्यों नहीं जान पाती हूँ? मुझे क्यों नहीं पता चलता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, ये बोलना तुझे मेरे मन की बात जानी है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं माँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं भला तुम्हारे मन की बात जानकर क्या करूंगी, मैं तो वही पूछ रही हूँ जो सवाल मेरे मन में चल रहे हैं। तुम ही बताओ, मैंने तुमसे जायज सवाल ही तो पूछा है ना, ऐसा वैसे थोड़े पूछा है। रजनी को अमोदिता की बात ठीक लगती है और वो उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो इसलिए नालायक लड़की क्योंकि अभी तू पूरी तरह से सौदाइन बनी कहाँ है, अभी तो तूने बस सौदाइन की दुनिया में कदम रखा है, जब तू सौदाइन बनने लगेगी तब तुझे भी दूसरी सौदाइन के मन की बातें पता चलने लग जाएंगी। रजनी ने एक सवाल का जवाब दिया ही था कि उसी वक्त अमोदिता उस पर दूसरा सवाल दाग देती है, पर माँ मैं सौदाइन बनूंगी कब, कब मुझे भी दूसरी सौदाइन के मन की बात जानने की शक्ति मिलेगी? उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान थोड़ी है एक सौदाइन के मन की बात जानना। जैसे जैसे तू ये जादू टोने तंत्र विद्या में सिद्धि हासिल करती रहेगी तू सौदाइन बनने लग जाएगी। अमोदिता फिर कुछ सोचने लग जाती है। रजनी अपनी बात को पूरी करते हुए कहती है, अब तो यही सोच रही है ना कि तू तो सौदाइन बनी नहीं, तो फिर मुझे तेरे मन की बात कैसे पता चली? हाँ माँ मैं यही सोच रही हूँ, रजनी झट से कहती है, वो इसलिए क्योंकि तेरे अंदर सौदाइन के अंश हैं, इसी वजह से मैं तेरे मन की बात जान पा रही हूँ, पर अभी तू पूरी तरह से सौदाइन बनी नहीं है, इस वजह से तू मेरे मन की बात नहीं जान पा रही है। जादू टोने करते जा, तू भी सौदाइन बनने लग जाएगी, समझी? अमोदिता रजनी की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ माँ समझ गई, तो मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जल्दी भिंडी काट, खाना भी तो बनाना है। अमोदिता वापस से भिंडी काटते हुए कहती है, हाँ माँ काटती हूँ। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में अभिमन्यु और कछुआ हॉल में बैठे हुए थे, युग और गायर वहाँ पर नहीं थे। अभिमन्यु और कछुआ दोनों ही गहरी सोच में डूबे हुए थे और काफी परेशान लग रहे थे। अभिमन्यु ये सोच रहा था कि कैसे वो युग पर किया गया टोना तोड़े, तो कछुआ ये सोच रहा था कि वो कैसे वर्चस्विनी के पति के बारे में पता लगाए। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, शिट यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाएं। कछुआ अपने मोबाइल में वर्चस्विनी की डीपी देखते हुए कहता है, हाँ यार सही कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाएं। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि मेरी वर्चु का पति कौन होगा और कैसा दिखता होगा। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, अब युग के टोने से वर्चु के पति का क्या लेना देना, तू कहना क्या चाहता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कछुआ फटाक से बोलता है, अरे युग के टोने से वर्चु के पति का कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझसे तो है ना, मुझे तो पता होना चाहिए ना कि आखिर वर्चु जी के पति ने उसे क्यों छोड़ा या
क्या कुछ हुआ था दोनों के बीच, या क्या हुआ था उन दोनों के बीच? अभिमन्यु कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, तू पागल हो रहे क्या कछुआ? ये क्या सोच रहा है? तेरे अंदर दिमाग तो है ना? तुझे पता है ना तेरा और वर्चस्विनी जी का कुछ नहीं होने वाला, फिर भी तू उनके पीछे लगा हुआ है। कछुआ शर्माते हुए कहता है, यार अब उसी कुर्सी पर तो बैठने में मजा आता है ना जिस पर पहले से ही कोई बैठा हुआ हो। अभिमन्यु और कछुआ बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कायर आ जाता है जिसके हाथ में दो बड़ी बड़ी काली पॉलीथीन थी। जैसे ही कछुए की नजर कायर पर पड़ती है वो कहता है, अरे कायर तू बिंदु से मिलकर आ गया, ये क्या लेकर आया तू अपने साथ? कायर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है, इसमें वही है जो कल रात वो बुढ़ा पूरा पी गया था। कछुआ अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, मतलब इसमें गला गीला करने का सामान है? कायर उस काली पॉलीथीन में से शराब की एक दो बोतल निकालते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, ये देख तू कह रहा था ना कि मैंने बर्थडे ट्रीट नहीं दी इसलिए मैं ये सब लेकर आ गया, अब मुझे कंजूस मत बोलना। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, मतलब आज रात फिर कार्यक्रम होगा? कायर अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, कार्यक्रम नहीं आज रात तो धमाल होगा। कछुआ झट से पूछता है, ये सब तो ठीक है, ये बता चखना लेकर आया है या नहीं, क्या पिछली बार की तरह भूल गया? कायर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार वो तो मैं लाना ही भूल गया। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यार तू ना कायर सही में, जब तुझे पता है पीने के वक्त चखने की जरूरत पड़ती है उसके बिना पूरा माहौल किरकिरा हो जाता है, तो चखना लेकर आना चाहिए था ना। कायर कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, अरे कायर पर क्यों चिढ़ रहा है, वो शराब ले आया वही बहुत है, एक काम करते हैं अभी खाना नहीं बनाया ना तो आज रात मछली बना लेते हैं, चखने में फ्राई फ्रेश ही खा लेंगे, युग बाहर गया है ना तो मैं उससे बोल देता हूँ कि आते वक्त मछली लेकर आए। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने, युग बाहर गया है, कहाँ गया है वो? कछुआ फटाक से जवाब देता है, और कहाँ जाएगा, अपनी अमोदिता से मिलने गया है, तेरे जाते ही जिद करने लग गया कि अमोदिता से मिलने जाना है, हमने तो बहुत समझाया कि शाम का वक्त है अभी मत जा सुबह चले जाना, पर तुझे तो पता है वो सुनता कहाँ है किसी की। कायर पूछता है, तो तुम दोनों उसके साथ क्यों नहीं गए, उसे अकेले क्यों जाने दिया? कछुआ जवाब देता है, यार हम क्या करते उसके साथ जाकर, हमें फंसना थोड़ी था। कायर की ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो हैरानी के साथ पूछता है, फंसना नहीं था मतलब? कछुआ पटाक से कहता है, मतलब ये कि तुझे तो पता है ये युग आजकल अमोदिता के बारे में कैसी कैसी बातें करता है, शादी तो छोड़ो अमोदिता के साथ सुहागरात बनाने की पहले सोच रहा है, उसका उसकी जुबान पर कंट्रोल ही कहाँ है, अगर गलती से उसके मुंह से उसके घर वालों के सामने कुछ निकल जाता तो हम तो फंसते ना, इसलिए हम दोनों नहीं गए, हमने सोचा ना जाने में ही भलाई है। कायर और कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु युग को फोन करने लग जाता है, युग एक ही बार में फोन उठा लेता है। अभिमन्यु फोन पर बात करते हुए कहता है, अरे युग सुन कहाँ पर है तू, अच्छा सुन आते वक्त 1 किलो मछली लेकर आना, एक और बात थोड़ा जल्दी आना समझा, लेट मत करना। हाँ ठीक है। इतना कहकर अभिमन्यु फोन कट कर देता है। जैसे ही वो फोन रखता है कछुआ हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या बोला वो? क्या बोलेगा, बोल रहा था कि अभी बंगला मुड़ा घाट पहुंचने वाला है, आते वक्त ले आएगा मछली, अभी 6 बज रहे हैं 8 बजे तक वो आ जाएगा, चलो जब तक हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। कायर साथ देता है, हाँ चल। इस तरफ युग बंगला मुड़ा घाट पर था और अभी अभी उसने अभिमन्यु से फोन पर बात करके मोबाइल को वापस जेब में रखा था। बंगला मुड़ा घाट पूरा सुनसान पड़ा हुआ था, वहां पर युग के अलावा कोई नहीं था। 6:30 बज गए थे जिस वजह से सूरज ढलना शुरू हो चुका था और अंधेरा होने लग गया था। युग अपने कदम बंगला मुड़ा घाट पर आगे बढ़ाते हुए कहता है, इन्होंने मुझे समझ कर क्या रखा है, ऐसा नहीं कि खुद जाकर मछली ले आए, वो भी मैं लाकर दूं इन्हें, एक तो सुबह से मुझे अमोदिता से मिलने नहीं जाने दिया और अब शाम को निकला हूं तो पहले ही कह दिया कि जल्दी आ जाना। युग शर्माते हुए खुद से कहता है, अब अपनी अमोदिता से मिलने जा रहा हूं तो वक्त तो लग ही जाएगा ना, ऐसे ही जल्दी थोड़ी आ जाऊंगा। यही सब बड़बड़ाते हुए युग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहता है, अरे मैं अमोदिता से मिलने जा रहा हूँ तो क्यों ना मछली लेकर जाऊं, उसी से मछली बनवा लूंगा, मुझे उससे मिलने का बहाना भी मिल जाएगा और बनी बनाई मछली अपने दोस्तों के लिए भी लेकर आ जाऊंगा, अच्छा आइडिया है यही करता हूँ। इतना कहकर युग बंगला मुड़ा घाट पर अपनी नजरें दौड़ाता है और मछली बेचने वाले को ढूंढने लग जाता है, पर उसे सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं दिखता है, वहां पर उसके सिवा और कोई नहीं था। युग बड़बड़ाता है, अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है शाम हो गई इसलिए सभी मछुआरे अपने घर चले गए, रोंका मुझे घाट तो जा ही रहा हूँ, शायद वहीं पर कोई मछली बेचने वाला मिल जाए। युग मछली बेचने वाले के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे यामिनी की याद आ जाती है और वो खुद से कहता है, अरे यामिनी भी तो मछुआरनी है, वो भी तो मछलियाँ बेचा करती है, ये यामिनी कहाँ चली गई, वैसे तो जब भी कृष्णोई नदी के पास आओ तो हमेशा मिल जाया करती थी, पर आज जब काम है मछलियाँ लेनी है तो मिलेगी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है ये। यही सब बड़बड़ाते हुए युग रोंकामुचा घाट जाने का फैसला कर लेता है। युग जैसे ही कृष्णोई नदी में अपना पहला कदम रखता है उसे एक लड़की के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, मुझे पता था युग तुम जरूर आओगे, तुम मेरे हो और
तुम ही मुझे फिर से आजाद करोगे। मुझे यहां से आजाद करो युग, मेरे पास आओ। युग को सिर्फ इतना ही सुनाई दे रहा था कि कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा है। लड़की की आवाज सुनकर युग शॉक्ड हो जाता है। एक पल के लिए उसके दिमाग से अमोदिता का ख्याल निकल सा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की आवाज में एक जादू था जिसने कुछ देर के लिए अमोदिता का वशीकरण तोड़ दिया था। युग घबराते हुए खुद से कहता है, ये कैसी आवाज थी? कौन लड़की है वहां पर और वो मुझे क्यों पुकार रही है? उसे मेरा नाम कैसे पता? लड़की की फिर से पुकारने की आवाज सुनाई देती है, युग आओ मेरे पास, मुझे आजाद करो, मैं तड़प रही हूँ। युग जल्दी आओ मेरे पास, अब देर मत करो, आजाद कर दो मुझे यहाँ से। तुम ही हो जो मुझे यहाँ से आजाद कर सकते हो। आओ युग मेरे पास आओ, मुझे इस कैद से रिहा करो। लड़की की आवाज सुनकर युग जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। डर के मारे वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। युग डरते हुए खुद से कहता है, आखिर ये लड़की है कौन और वो मुझे अपने पास क्यों बुला रही है? कहीं यक्षिणी तो नहीं? पर आज तो अमावस्या नहीं है, अमावस्या आने में वक्त है, फिर नदी के उस पार कौन लड़की है? लड़की की फिर पुकारने की आवाज सुनाई देती है, आओ युग, रुक क्यों गए? डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें, मेरा भरोसा करो, मेरे पास आओ। ना जाने उस लड़की की आवाज में क्या जादू था, ना चाहते हुए भी युग अपने कदम रोंकामुझा घाट की ओर बढ़ाने लग जाता है। युग नदी पार करते हुए कहता है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। लड़की की फिर से आवाज सुनाई देती है, आओ युग, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आओ मेरे पास, आजाद करो मुझे यहाँ से। इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। एपिसोड 92, वो मिल गई। लड़की की फिर आवाज सुनाई देती है, आओ युग, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आओ मेरे पास आओ, आजाद करो मुझे यहाँ से। लड़की के पुकारने की आवाज सुनकर युग और फुर्ती के साथ जल्दी जल्दी किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। किश्नोई नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बादल जल्दी ही बरसने वाले थे, और यदि वो एक बार बरसना शुरू हुए तो फिर थमेंगे नहीं। इस तरफ रोंकामुझा गांव में धनिया और हरिया गार्डन में थे। हरिया धनिया की कमर में हाथ डालकर उसे अपने रूम की तरफ ले जा रहा था, जो उसे रहने के लिए रतनपाली ने दिया था। हरिया रतनपाली के दो नौकरों को हवेली के दरवाजे पर पहरेदारी करने के लिए लगा कर आया था, ताकि जब वो धनिया के साथ काम करे तो कोई उसे डिस्टर्ब न करे। धनिया हरिया का हाथ अपनी कमर पर से हटाते हुए कहती है, हाथ हटा हरिया, किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हरिया बेफिक्री के साथ कहता है, अरे कौन देखेगा इतने अंधेरे में? धनिया तू ना बेवजह ही डरती है, कुछ नहीं होने वाला। धनिया मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा, मैं डरती हूँ या तू डरता है? तेरी उस रतनपाली के सामने जुबान क्यों नहीं खुलती है? बड़ा आया मुझको कहने वाला कि मैं डरती हूँ। हरिया धनिया को प्यार से समझाते हुए कहता है, अरे धनिया तू तो नाराज ही हो गई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चल छोड़ ये सब बातें और चल थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। ऐसा क्या हो गया हरिया जो तुझसे रहा नहीं जा रहा है? कल ही रात तो किया था, ये क्या हो गया है तुझे? रोज रोज अच्छा थोड़ी होता है करना। मैं अभी भी बोल रही हूँ कल कर लेंगे, आज रहने दे, आज मेरा मन नहीं है। पता नहीं क्यों सुबह से मन अजीब लग रहा है। अरे नहीं धनिया, मन नहीं है तो मैं बना दूंगा, बस तू एक बार कमरे के अंदर तो चल, फिर देख कैसे बनता है तेरा मन। यही सब बड़बड़ाते हुए हरिया और धनिया हरिया के रूम के पास पहुंच जाते हैं। हरिया का जो रूम था वो पुराने जमाने का रूम था, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और ऊपर कवेली की छत डली हुई थी। यही वो मकान था जो रतनपाली ने उसे रहने के लिए दिया था। हरिया जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, देखता है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ था। हरिया खुद से बड़बड़ाता है, अरे ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? जितना मुझे याद है मैं तो दरवाजा लगा कर गया था। हरिया को दरवाजे पर ही खड़ा देखकर धनिया हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अरे क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? तेरा मूड बदल गया क्या? क्या मैं जाऊं वापस अगर आज तुझे कुछ नहीं करना तो? हरिया धनिया के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे अपने कंधों से चिपकाते हुए कहता है, अरे पागल हो रही है क्या धनिया? एक तो इतनी मुश्किल से तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ, अब बिना करे थोड़ी जाने दूंगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना तेरे साथ। धनिया के जल्दी करने पर हरिया इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसने दरवाजा खुला छोड़ा था या लगा कर आया था। वो धनिया के कंधों पर से हाथ हटाता है और धड़ से दरवाजे को धक्का देकर कमरे के अंदर घुस जाता है। जब वो कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि कमरे के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। तभी हरिया को कमरे के अंदर हलचल महसूस होती है। उसे महसूस होता है कि कमरे के अंदर उसके सिवा भी कोई था।
हरिया कुछ समझ पाता कि कमरे के अंदर कौन है उससे पहले ही धनिया भी कमरे के अंदर घुस जाती है और लाइट चालू करते हुए कहती है, अरे हरिया लाइट तो चालू कर ले, अब अंधेरे में ही करेगा क्या। जैसे ही धनिया लाइट चालू करती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हरिया का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, डर के मारे उसके पैर कांपने लग गए थे। धनिया और हरिया के सामने रतनपाली खड़ा हुआ था जो बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें घूरे जा रहा था। हरिया मन ही मन सोचता है, आज तो हमारी खैर नहीं कि बुड्ढा यहाँ पर कहाँ से आ गया, कहीं से मेरे और धनिया के ऊपर शक तो नहीं हो गया था और उसी का पता लगाने के लिए यहाँ पर तो नहीं आया था। धनिया मन ही मन सोचती है, मैंने कहा था इस हरिया से कि आज रहने देते हैं, पर इसे ना बहुत गर्मी चढ़ी थी, अब ये रतनपाली हम दोनों की सारी गर्मी उतार देगा। हरिया समझ जाता है कि यदि उसने जल्दी कुछ नहीं बोला तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा, इसलिए वो बड़ी ही हिम्मत करके हकलाते हुए कहता है, मालिक आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रतनपाली हरिया को गुस्से से घूरते हुए कहता है, मेरी छोड़ और ये बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है। हरिया अच्छे से जानता था कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसलिए वो हंसते हुए कहता है, मालिक ये कमरा तो मेरा ही है जो आपने मुझे दिया है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो कहाँ पर रहूंगा। रतनपाली गुस्से से लबालब भरते हुए कहता है, मुझे पता है ये कमरा तेरा है और इसे मैंने ही तुझे दिया है रहने के लिए, पर तू ये बता। रतनपाली धनिया की तरफ देखते हुए कहता है, ये धनिया यहाँ पर क्या कर रही है, ये भी तेरे साथ इसी कमरे में रहती है क्या। रतनपाली का सवाल सुनकर धनिया और हरिया दोनों घबरा जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। रतनपाली फिर गुस्से से कहता है, अरे चुप क्यों हो गए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम दोनों से, मेरे सवालों का जवाब दो। हरिया कुछ सोच पाता उससे पहले ही धनिया अपना दिमाग चलाती है और रतनपाली के पास जाते हुए कहती है, मैं तो आपको ही ढूंढने आई थी सरपंच जी। रतनपाली हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा मुझे ढूंढने के लिए। लड़कियों को अच्छे से पता होता है कि लड़कों का कैसे माइंड डाइवर्ट किया जाता है और ये चीज धनिया भी अच्छे से जानती थी। धनिया रतनपाली के सीने पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे सरपंच जी मैं तो आपको ही ढूंढने आई थी, देखा नहीं रात हो गई और आपको तो पता ही है आपके बिना मेरी रात नहीं कटती, आप मुझे हवेली में नहीं दिखे इसलिए मैं यहाँ पर आ गई इस हरिया से ये पूछने कि आप कहाँ पर हैं, आखिर इसे ही तो पता होता है कि आप कब और कहाँ पर रहते हैं, 2400 घंटे आपकी रखवाली जो करता रहता है ये। रतनपाली इतनी आसानी से धनिया की बात पर विश्वास करने वाला नहीं था, वो फिर धनिया पर शक करते हुए एक और सवाल उस पर दाग देता है, अगर तू मुझे ढूंढने आई थी तो लाइट चालू करके ये क्यों बोल रही थी हरिया से कि हरिया लाइट चालू कर ले, अब अंधेरे में ही करेगा क्या, आखिर क्या करने वाले थे तुम दोनों अंधेरे में। धनिया मन ही मन सोचती है, इस बुढ़े के कान और याददाश्त तो कुछ ज्यादा ही तेज है, अब क्या जवाब दूं मैं इसे। रतनपाली गुस्सा करते हुए कहता है, अरे चुप क्यों हो गई, बोल जवाब दे मुझे, दोनों अंधेरे में क्या करने की बात कर रहे थे। धनिया अपनी बात से पलटते हुए और ऐसे अनजान बनती है जैसे उसने ये वाक्य बोला ही नहीं था। धनिया कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी, मैंने तो बस लाइट जलाई थी। धनिया हरिया को इशारा करते हुए कहती है, हरिया तू ही बता मैंने ऐसा कुछ बोला था क्या। हरिया धनिया का इशारा समझ जाता है और उसका साथ देते हुए कहता है, नहीं सरपंच जी धनिया ठीक कह रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, आपसे ही सुनने में कुछ गलती हो गई हो, मैं गवाह हूँ इस बात का और मैं तो आपका सबसे वफादार नौकर हूँ ना, मैं भला आपसे थोड़ी झूठ बोलूंगा। धनिया बात को घुमाते हुए कहती है, सरपंच जी आपको अंधेरे में करना पसंद है ना, इसलिए आपके दिमाग में अंधेरी वाली बात रह गई होगी, आप भूल के रोज रात को मैं ही तो लाइट बंद करती हूँ आपके कहने पर। रतनपाली मन ही मन सोचने लग जाता है, क्या ये धनिया और हरिया सही बोल रहे हैं, मुझसे ही सुनने में कोई गलती हो गई थी क्या। रतनपाली धनिया और हरिया से कुछ पूछता उससे पहले ही हरिया उस पर अपना सवाल दाग देता है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे थे मालिक, मेरे कमरे में वो भी चोरी छुपे, मुझे तो लगा कि कोई चोर होगा, वो तो अच्छा हुआ धनिया ने सही वक्त पर लाइट ऑन कर दी वरना मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो जाता। रतनपाली कमरे की छत को अच्छे से देखते हुए कहता है, मैं देखने आया था सब कुछ ठीक तो है। हरिया ये बात नोटिस कर लेता है कि वो भी कमरे की छत जो कि मिट्टी की बनी हुई थी उसे अच्छे से देखते हुए कहता है, देखने आए थे से आपका क्या मतलब है सरपंच जी, आप यहाँ पर क्या देखने आए थे। रतनपाली के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा था। रतनपाली बात को दबाते हुए कहता है, अरे मैं देखने आया था कमरा तो ठीक है ना, उसकी मरम्मत तो करानी नहीं है, अब तू मेरा सबसे वफादार नौकर है तो मेरा फर्ज बनता है ना ये देखना कि तू ठीक से रह रहा है या नहीं, अब तू तो मुझे बताएगा नहीं कि क्या मरम्मत करानी है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही देखने आ जाता हूँ। हरिया अभी भी रतनपाली की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हरिया रतनपाली पर शक करते हुए पूछता है, पर मालिक जब मैं कमरे में आया था तब तो अंधेरा था, आप अंधेरे में कैसे कमरे को देख रहे थे कि वो ठीक है या नहीं। रतनपाली हंसते हुए जवाब देता है ताकि हरिया उसकी बातों में आ जाए, अरे मैं कमरे के अंदर घुसा ही था और लाइट ऑन करने वाला था, उससे पहले तुम दोनों आ गए तो भला फिर मैं कैसे लाइट ऑन कर पाता, तुम दोनों ही बताओ। रतनपाली टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, चलो कमरा तो ठीक ठाक दिख रहा है, अभी भी वैसा ही दिखता है जब नया बना था। रतनपाली धनिया के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, अरे धनिया चल अब कमरे में मेरी मालिश कर देना, बदन बड़ा दर्द कर रहा है। धनिया रतनपाली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, जी सरपंच जी
चलिए कमरे के अंदर, ऐसी मालिश करूंगी ना आज आपकी कि दोबारा फिर कभी कुछ दर्द नहीं करेगा। रतनपाली और धनिया वहां से जाने लग जाते हैं। हरिया को अभी तक रतनपाली की ये बात हजम नहीं हुई थी कि रतनपाली उसके कमरे की हालत देखने आया था। उसका दिल बार बार यही बोल रहा था कि जरूर रतनपाली उसके कमरे में किसी दूसरे ही काम से आया था। आखिर वो दूसरा काम क्या था, यही हरिया बार बार सोच रहा था। इस तरफ युग ने आधी किश्नोई नदी पार कर ली थी, वो अमोदिता को भूल गया था। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि नदी के उस पार कौन सी लड़की थी जो उसे पुकारे जा रही थी। लड़की के पुकारने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। बादल गरजना शुरू हो गए थे, आसमान में जोरों से बिजली कड़क रही थी। अभी युग ने आधी किश्नोई नदी पार करी ही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि नदी में पानी का बहाव तेज हो गया था। युग नदी में बैलेंस बनाते हुए कहता है, अरे ये क्या, अचानक से नदी का बहाव तेज कैसे हो गया? अभी तो शांति के साथ बह रही थी, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि बहाव इतना तेज हो गया? नदी का बहाव इतना तेज हो गया था कि युग नदी में अपने कदम तक सही से टिका नहीं पा रहा था। उसके पांव बार बार हिल रहे थे, उसे नदी में पैर जमाने में काफी दिक्कत आ रही थी। युग समझ गया था कि यदि वो आगे बढ़ा तो बहाव इतना तेज था कि वो बह सकता था, इसलिए वो वापस जाने की सोचने लग जाता है। पर वो कोई फैसला ले पाता उससे पहले ही फिर किसी लड़की के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। आओ युग, मेरे पास आओ, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मुझे यहाँ से आजाद करना ही होगा। युग आओ मेरे पास आओ। लड़की की आवाज सुनकर युग को ना जाने क्या हो जाता है, उसके अंदर एक उत्साह भर जाता है और वो फिर से नदी पार करने का फैसला कर लेता है। कड़ी मुश्किलों के बाद भी जैसे तैसे संभलते हुए युग आखिरकार नदी पार कर लेता है। जैसे ही वो नदी पार करके रोंकामुचा घाट पर अपने कदम रखता है, लड़की के पुकारने की आवाज आनी बंद हो जाती है। जैसे उस लड़की के पास युग को वहां बुलाने तक की शक्ति थी। युग रोंकामुचा घाट पर आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे ये क्या, लड़की के पुकारने की आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही थी, फिर मेरे यहाँ पर आते ही बंद कैसे हो गई? और वो लड़की कहाँ है जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे जा रही थी? इतना कहकर युग अपने आसपास नजर दौड़ाता है, पर जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो आवाज लगाता है, कोई है, कोई है क्या यहाँ पर? पर कोई जवाब नहीं आता है। रोंकामुचा घाट पर युग के सिवा और कोई नहीं था। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। युग बड़बड़ाता है, अरे ये क्या, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पर फिर वो आवाज किसकी थी जो मुझे सुनाई दे रही थी? कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था? हाँ वहम ही होगा जरूर, वरना रोंकामुचा घाट पर मुझे कोई तो दिखाई देना चाहिए था ना। जब लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती तो युग वापस से अमोदिता के ख्यालों में खो जाता है। उसे अमोदिता की याद आने लग जाती है, वो भूल जाता है कि थोड़ी देर पहले वो क्या कर रहा था। युग खुद से कहता है, अरे मैं तो अमोदिता के पास जा रहा था ना, तो फिर मैं यहाँ पर रुक क्यों गया? हाँ जरूर मछली लेने के लिए ही रुका होगा, पर यहाँ तो कोई मछली वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। युग ने इतना ही कहा था कि तभी आसमान में जोर से बिजली चमकती है। युग बिजली को देखते हुए कहता है, लगता है बारिश आने वाली है, इसलिए सारे मछुआरे पहले ही अपने घर चले गए। भला बारिश में कौन अपनी जान को खतरे में डालकर मछली पकड़ेगा? अब मैं भी अमोदिता के घर जाता हूँ उससे मिलने के लिए। इतना कहकर युग ने हवेली जाने के लिए अपने एक दो कदम आगे बढ़ाए ही थे कि रोंकामुचा घाट पर तूफान आने लग जाता है। हवाएं तेज तेज चलने लग जाती हैं, जिस कारण घाट पर की रेत हवा में उड़ने लग जाती है जो सीधे युग के हाथों में घुसने लग गई थी। युग अपने हाथों से अपनी आंखें साफ करते हुए कहता है, अरे ये अचानक से तूफान कैसे आ गया, ये सब क्या हो रहा है? अभी युग ने अपने हाथों से अपनी आंखें मलकर खोली ही थी कि तभी उसे रेत पर कोई नीली चीज चमकती हुई दिखाई देती है। वो नीली चीज किसी नीले डायमंड की तरह चमक रही थी। युग उस नीली चीज को देखते हुए कहता है, अरे ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग उस नीली चीज को देखते हुए कहता है, अरे ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? वो नीली चीज रात के अंधेरे में किसी नीले चमकीले डायमंड की तरह चमक रही थी। हवाएं अभी भी जोरों से चल रही थी, जिस कारण हवा में रेत के छोटे छोटे कण उड़ रहे थे। आसपास का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। नदी के पानी का स्तर बढ़ने के साथ साथ उसका बहाव भी तेज हो गया था, जिसके बहने की आवाज तूफान के साथ भी सुनाई दे रही थी। उस चमकती हुई चीज को देखकर युग अपने कदम उस ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम उस चमकती हुई चीज के पास बढ़ाते जा रहा था, रोशनी और तेज होती जा रही थी। जैसे ही युग उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचता है, उसे ठंड महसूस होने लग जाती है। अचानक से एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया था। ठंड के मारे उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अगर कुछ देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा तो उसकी कुल्फी जमनी तय थी। युग कांपते हुए कहता है, कि मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है, और आखिर ये चीज है क्या जो इतनी चमक रही है? इतना कहकर युग नीचे झुकता है।
जब वो उस नीली चीज को देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो चीज क्या है। वो नीली चीज रेत में दबी हुई थी, जिस कारण युग उस चीज को अच्छे से नहीं देख पा रहा था। युग अपने हाथों से उस नीली चीज के आसपास की रेत साफ करने लग जाता है। जैसे ही वो उसके आसपास की रेत साफ करता है, हवाएं और तेज हो जाती हैं और किश्नोई नदी के अंदर उफान आने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर, अभिमन्यु और कछुए ने मछली के लिए मसाला तैयार कर लिया था और वो लोग बेसब्री से युग के आने का इंतजार कर रहे थे। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यार ये युग कब तक आएगा? कब हम लोग खाना बनाएंगे और कार्यक्रम शुरू करेंगे? कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार पता नहीं कब आएगा ये, अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं होता। बॉटल रखी हो और गला गीला ना हो तो मजा नहीं आता। अभिमन्यु अपनी जेब में से मोबाइल निकालते हुए कहता है, रुको मैं अभी फोन करके पूछता हूँ उससे कहाँ तक पहुँचा और कब तक आ रहा है। इतना कहकर अभिमन्यु युग को फोन करने लग जाता है, पर जैसे ही वो युग को फोन करता है फोन कट हो जाता है। अभिमन्यु अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये युग को फोन क्यों नहीं लग रहा? अभिमन्यु फिर युग को फोन करता है पर उसका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बताने लग जाता है। अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, यार इसका मोबाइल तो कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी जोर से बिजली चमकती है, जिसकी रोशनी किचन में लगी खिड़की से साफ साफ दिखाई देती है। कायर खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, यार मौसम तो बहुत खराब हो रहा है, मुझे नहीं लगता युग वापस आएगा। मुझे तो लग रहा है वो अमोदिता से मिलने गया होगा तो उसके घर वालों ने उसे वहीं पर रोक लिया होगा, कहा होगा कि अब सुबह ही जाना। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार मुझे भी यही लगता है। वैसे भी जब वो अमोदिता के साथ रहता है तो सब कुछ भूल तो जाता है, हमें इन्फॉर्म करना भी भूल गया होगा। अभिमन्यु वापस से अपनी जेब में मोबाइल रखते हुए कहता है, ये कछुआ ठीक कहता है, यही हुआ होगा। और बाहर मौसम इतना खराब हो रहा है ना, इसी वजह से उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होगा, अब क्या करें? कायर उसके सामने रखी शराब की बोतल को उठाते हुए कहता है, क्या करेगा क्या मतलब है, खाना नहीं बना तो क्या हुआ, बोतल तो है ना, और वैसे भी पीने के बाद किसे खाना खाने का होश होता है। और मैं तो इतनी सारी बोतलें लेकर आया हूँ ना कि मुझे नहीं लगता कि खाना खाने की हमें जरूरत भी पड़ेगी, आज तो इसी से पेट भर जाएगा हमें। कछुआ भी अपने हाथ में शराब की बोतल उठाते हुए कहता है, आज तो फिर बिना चखने के ही कार्यक्रम शुरू किया जाए, हर बार चखना हो ये जरूरी नहीं। इतना कहकर कछुआ और कायर पीना शुरू कर देते हैं, पर अभिमन्यु अभी भी युग के बारे में ही सोच रहा था, उसे युग की फिक्र हो रही थी। अभिमन्यु मन ही मन सोचता है, ये युग ठीक होगा या नहीं, क्या वो हर बार की तरह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। इस तरफ रोंगकमुचा घाट में बिजलियां लगातार चमकती जा रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह झील में लाइट चलती है। युग ने उस नीली चमकती हुई चीज के आसपास की रेत पूरी तरह साफ कर दी थी और उसे वो नीली चीज अब क्लियर दिखने लग गई थी। वो देखता है कि वो नीली चीज एक कमल का फूल था जिसे रेत के अंदर गाड़ा गया था। युग उस नीले कमल के फूल को देखते हुए कहता है, अरे ये कैसा कमल का फूल है, मैंने आज तक ऐसा नीला कमल का फूल पहले कभी नहीं देखा, और ये इतना शाइन क्यों कर रहा है, आखिर इसके अंदर है क्या। इतना कहकर युग उस नीले कमल के फूल को हाथ लगाने जाता है। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेता है बादल गरजने लग जाते हैं, नदी का पानी तेज बहाव के साथ बहने लग जाता है। इतना तेज यदि कोई शख्स उस पानी में पैर तक रखता तो नदी उसे झट अपने साथ बहा कर ले जाती। हवाएं जोरों के साथ बहने लग गई थी जिस कारण रेत के कई सारे कण हवा में उड़ने लग गए थे। युग ने अभी उस नीले कमल को स्पर्श किया ही था कि तभी वो देखता है कि वो कमल का फूल जो बंद था उसकी पत्तियां अपने आप खुलने लग जाती हैं। उसके अंदर से पहले एक जुगनू निकलता है और देखते ही देखते लगातार जुगनू निकलने लग जाते हैं। उस कमल के फूल में से इतने सारे जुगनू निकल रहे थे कि आसपास रोशनी जगमगाने लग जाती है। जहां पर कुछ देर पहले अंधेरा छाया हुआ था, युग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। युग घबराते हुए कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, इस कमल के फूल में से इतने सारे जुगनू कैसे निकल सकते हैं, कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। युग कमल के फूल को अपने हाथ में पकड़े रखते हुए अपने दूसरे हाथ में चिमटी काटता है, पर उसकी आंखों के सामने वही सब चलता रहता है जो उसे पहले दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने जो कुछ था सब हकीकत थी, कोई सपना नहीं। देखते ही देखते उस नीले कमल के फूल में से सारे जुगनू निकल जाते हैं, अब उसके अंदर एक भी जुगनू नहीं बचा हुआ था। जुगनुओं के निकलने के साथ ही उस नीले कमल ने अपनी रोशनी खो दी थी, अब वो पहले की तरह नहीं चमक रहा था। देखते ही देखते वो नीला कमल का फूल काला पड़ने लग जाता है, जैसे वो सूख रहा हो और अपने आप ही जलने लग जाता है। वो कमल का फूल युग के हाथ में जल पाता उससे पहले ही युग उसे झट से फेंक देता है, जो सीधे रेत पर जाकर गिर जाता है। वो कमल का फूल पहले जलता है, फिर रात में तब्दील होकर हवा में ही गायब हो जाता है। जैसे ही वो कमल का फूल गायब होता है, आसमान में बिजलियां और जोरों से चमकने लग जाती हैं और बादल बरसने शुरू हो जाते हैं। युग बारिश में भीगने लगा था, पर इस वक्त उसका ध्यान अपने आप पर नहीं, काले आसमान में जगमगा रहे जुगनुओं पर था, जो एक लड़की के शरीर की बनावट लेकर जगमगा रहे थे। युग आसमान में जुगनुओं द्वारा बनाई लड़की के शरीर की बनावट को देख ही रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके कंधों पर पीछे से किसी ने हाथ रखा हो। अचानक से किसी का स्पर्श महसूस करके युग डर जाता है।
वो मन ही मन सोचने लग जाता है, मेरे पीछे कौन है। घाट तो पूरा खाली था। युग डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो मंत्रमुग्ध अवस्था में खड़ा कर खड़ा रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। ऐसा लग रहा था उसने कुछ ऐसी चीज देख ली थी जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं करी थी। युग के सामने और कोई नहीं बल्कि यामिनी खड़ी हुई थी। यामिनी युग को एकटक नजर से देखे जा रही थी। यामिनी ने काली साड़ी के साथ काला ब्लाउज पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे जो कि बरसात में भीगने के कारण गीले थे। उसके बदन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें फिसल रही थी। भरी बरसात में वो किसी कयामत की तरह लग रही थी। युग की यामिनी के गोरी बदन से नजर हटी नहीं रही थी। वो यामिनी को बस देखते जा रहा था। उसने आज तक यामिनी का इतना सुंदर रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब युग कुछ नहीं बोलता तो यामिनी ही बोल पड़ती है, ऐसे क्या देख रहे हो युग बाबू, आपको क्या मुझे खाने का इरादा है। युग यामिनी के बदन पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही, तुम यहाँ पर। यामिनी हंसते हुए कहती है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा युग बाबू, आपको क्या लगा था आपको यहाँ पर यक्षिणी मिलेगी। पर आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना तो वो भी आ जाएगी, और जब आएगी तो अपना शिकार लेकर ही जाएगी। युग यामिनी की बात पर ध्यान नहीं देता। वो आसमान की ओर देखने लग जाता है जहाँ पर कुछ देर पहले बहुत सारे जुगनू जगमगा रहे थे जो अब गायब हो चुके थे। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, आप ऊपर क्या देख रहे हैं युग बाबू, मैं ऊपर नहीं आपके सामने हूँ। युग के मन में आता है कि वो यामिनी को जुगनुओं के बारे में और जो सब कुछ उसके साथ थोड़ी देर पहले घटा था उसके बारे में बताए, पर उसे लगता है कि यामिनी उसे पागल समझेगी, इसलिए वो उसे ये बात नहीं बताता है और पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी यामिनी कुछ दिनों से। यामिनी बहाना बनाते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं गई थी, यहीं पर तो थी। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, यहीं पर थी से तुम्हारा क्या मतलब है। यामिनी बात को घुमाते हुए कहती है, ये मतलब छोड़िए युग बाबू, ये बताइए इतने दिनों से मैं आपको दिखी नहीं तो आपको मेरी याद आई या नहीं आई। युग यामिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो यामिनी को क्या जवाब दे। सच तो ये था कि जब जब वो घाट के पास आया था हर बार उसे यामिनी की याद आई थी, और जब यामिनी उसे घाट पर नहीं मिलती थी तो उसका मन बेचैन हो जाता था। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी ही युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पता है आपको मेरी याद जरूर आई होगी, आपकी सूरत साफ जाहिर कर रही है ये बात। वैसे आपको एक बात बताऊं, हम याद उन्हीं को करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, कहीं आप भी मुझसे। इतना बोलकर यामिनी चुप हो जाती है। युग मन ही मन सोचने लगता है कि यामिनी को क्या हो जाता है, ये कैसी बातें करती है मुझसे। जब युग के पास इस सवाल का कुछ जवाब नहीं होता तो वो जानबूझकर अपने आप को बचाने के लिए फिर काले आसमान की तरफ देखने लग जाता है। यामिनी फिर युग को टोकते हुए कहती है, ये आप बार बार ऊपर क्या देख रहे हैं युग बाबू, यक्षिणी ऊपर से नहीं आने वाली, वो आ चुकी है। जोरों से बारिश होने के कारण युग सुन नहीं पाता कि यामिनी ने आखिरी में क्या बोला था। वो उसके पहले सवाल का जवाब देता है, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि बारिश कब रुकेगी। यामिनी भी आसमान की ओर देखते हुए कहती है, आज रात बारिश नहीं रुकने वाली युग बाबू। युग हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें कैसे पता, तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हो कि आज रात बारिश नहीं रुकने वाली। क्योंकि इन सब पर मेरा वश है युग बाबू, मैं चाहूँ तो बारिश करा सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो बारिश रोक सकती हूँ, ये सारी कायनात पर मेरा हक है युग बाबू। यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि यामिनी उससे ये कैसी बातें कर रही थी। युग कुछ और सोच पाता उससे पहले ही यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे युग बाबू मैं मजाक कर रही हूँ, आप बिना मजाक भी नहीं समझते, मैं यक्षिणी थोड़ी हूँ जो मेरा इन सब पर वश रहेगा। आपको दिख नहीं रहा पूरे आसमान में कितने काले बादल छाए हुए हैं, उन्हें देखकर कोई भी बता दे कि आज रात बारिश नहीं रुकने वाली, बादल रात भर बरसते रहेंगे। युग को यामिनी की बात ठीक लगती है इसलिए वो पलटकर कुछ कहता नहीं है। युग किश्नोई नदी में बढ़ते हुए पानी के स्तर को देखते हुए कहता है जो लगातार बढ़ता जा रहा था, नदी में पानी तो कुछ ज्यादा ही तेज बह रहा है, अब मैं वापस से घर कैसे जाऊंगा। युग बाबू आप घर जाकर क्या करेंगे, यहीं पर मेरे साथ रुक जाइए ना, आज की रात आप मेरे साथ ही बिताइए। बोलिए आज रात आप मेरे साथ बिताएंगे ना, युग हिचकिचाते हुए कहता है। ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी। सही तो बोल रही हूँ युग बाबू, आपको दिख नहीं रहा पानी का बहाव कितना तेज है, अगर कदम रखा तो कहाँ बहकर जाओगे आप किसी को पता नहीं चलेगा, और आज तो मेरे पास नाव भी नहीं है जो आपको पार करवा दूं नदी। युग घाट के आसपास अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, पर यामिनी मैं यहाँ पर कहाँ रुकूंगा, यहाँ पर तो कहीं जगह ही नहीं है रुकने के लिए जहाँ पर मैं अपना सिर छुपा सकूं और पानी से बच सकूं। अरे उसकी फिक्र आप क्यों करते हैं युग बाबू, जगह मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहकर यामिनी घाट के पास जो झाड़ियाँ लगी हुई थी उस ओर जाने लग जाती है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है कि यामिनी कहाँ जा रही है, बड़ी ही अजीब लड़की है, कुछ समझ ही नहीं आता इसका कब क्या करती है। कुछ देर बाद जब यामिनी वापस आती है तो अपने साथ दो बड़े बड़े पत्तीदार पेड़ लेकर आती है जिसे वो अपने दोनों हाथों से रेत पर घसीटते हुए ला रही थी। उन झाड़ियों को देखकर लग रहा था कि बरसात होने की वजह से वो अपने आप गिर गई थी। यामिनी युग को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे युग बाबू आप वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आइए ना, इन पेड़ों को खींचने में मेरी मदद कीजिए ना।
युग यामिनी के पास जाते हुए कहता है, हाँ अभी आता हूँ, पर तुम इनका क्या करने वाली हो यामिनी? आप बस देखते जाइए युग बाबू, आपकी यामिनी इसका क्या करती है। कुछ ही देर में यामिनी और युग उन झाड़ियों की मदद से छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं और उसे पत्तों से कवर कर देते हैं, जिसके अंदर घुसकर वो दोनों पानी से आसानी से बच सकते थे। यामिनी और युग पत्तों की झोपड़ी के अंदर करीब करीब सट कर बैठे हुए थे। युग की नजरें इस वक्त यामिनी के बदन पर थी, जिससे वो अपनी नजरें चाहकर भी नहीं हटा पा रहा था। वो यामिनी के बदन पर छोटी छोटी पानी की बूंदों को फिसलते हुए देख रहा था। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, लगता है मिलन की रात आ गई। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, लगता है मिलन की रात आ गई। युग यामिनी को अजीब तरह से घूरते हुए कहता है, मिलन की रात आ गई मतलब? मिलन की रात मतलब आपके और मेरे मिलने की रात। यामिनी की बात सुनकर युग को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, उसका चेहरा देखने लायक था। यामिनी फिर हंसते हुए कहती है, युग बाबू आप ना फिर सीरियस हो गए, मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया कीजिए। आपको पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है, आपके और मेरे मिलने को अभी वक्त है, मैं तो इस आसमान और धरती के मिलन की बात कर रही थी। युग यामिनी की पहली बात को फिर मजाक समझता है और दूसरी बात का जवाब मांगते हुए कहता है, आसमान और धरती के मिलन की बात कर रही थी मतलब? आपको आसमान और धरती की कहानी नहीं पता क्या? कैसी कहानी? लगता है आपको तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। कहते हैं ये आसमान और धरती पहले साथ साथ ही रहते थे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये कैसे हो सकता है? अगर आसमान और धरती एक दूसरे से जुड़े होंगे तो उस वक्त इंसान के सिर के ऊपर क्या होगा? आप लॉजिक मत सोचिए, बस कहानी सुनिए, क्योंकि प्रेम कहानियां बिना लॉजिक के ही अच्छी होती हैं। अगर उनमें लॉजिक आ जाता है तो वो प्रेम कहानी नहीं साइंस फिक्शन कहानी बन जाती है, समझे? युग कुछ बोलता नहीं है, बस यामिनी की बातें सुनता रहता है। वैसे यदि आप पूछ रहे हैं तो बता ही देती हूँ, ये उस दौर की कहानी है जब इंसान ही नहीं थे, तो उनके सिर के ऊपर कुछ रहने की बात ही खड़ी नहीं होती। तो कहाँ पर थी मैं? हाँ, कि आसमान और धरती एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बहुत गहरा प्यार था दोनों के बीच। अब नाम से तो आप समझ ही गए होंगे युग बाबू कि आसमान मेल था और धरती फीमेल। युग हाँ में अपना सिर हिलाता है। यामिनी अपनी बात आगे जारी रखती है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन धरती ने आसमान के सामने एक शर्त रखी। युग फटाक से पूछता है, कैसी शर्त? वही शर्त जो आजकल हर लड़की रखती है अपने प्रेमी के सामने, पर उसे कोई पूरा नहीं करता। युग सोचते हुए कहता है, कैसी शर्त? मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। एक बार ना धरती ने आसमान से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो फिर आसमान ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, चांद तारे सब लाकर दे सकता हूँ। युग गौर से यामिनी की बातें सुनता रहता है। यामिनी आगे कहती है, फिर क्या था? धरती ने आसमान से कहा, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? धरती ने तो आसमान से मजाक ही किया था, पर आसमान धरती के लिए सीरियस था, वो धरती की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता था। आसमान बिना बताए धरती को चांद को लेने के लिए चला गया। जब वो चांद के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो चांद ने आसमान के सामने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? ये शर्त कि मैं तुम्हारे साथ चल तो दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें अपने आप में मुझे समाहित करना पड़ेगा। फिर क्या था? आसमान को तो अपनी प्रेमिका की हर ख्वाहिश पूरी करनी थी, इसलिए वो चांद को अपने आप में समाहित करने के लिए तैयार हो गया। पर जब चांद और आसमान एक हुए तो आसमान का भार इतना बढ़ गया कि वो कभी धरती से मिलने वापस आ ही नहीं पाया, चांद के पास ही रह गया। और उसी की याद में आज भी जब कभी बारिश होती है तो युग बाबू वो बारिश नहीं है बल्कि आसमान के आंसू होते हैं जो वो धरती की याद में बहाता है। ये भी एक प्रकार का मिलन ही है, जो आंसुओं के बहाने आसमान धरती को स्पर्श करता है। जरूरी नहीं कि जब दो जिस्म मिले तभी मिलन हो, जब दो रूहें मिलती हैं तब भी मिलन ही होता है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, मुझे लगा था मेरी गलतफहमी है, पर इस यामिनी की बात सुनकर तो अब यकीन होने लगा है कि ये सचमुच पागल है। कैसी कैसी बातें करती है ये अजीबोगरीब। युग ने इतना कहा ही था कि तभी उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं, उसे ठंड लगने लग जाती है, वो अपने दोनों बाजुओं से अपना शरीर पकड़ने लग जाता है। यामिनी ये बात नोटिस कर लेती है और बड़े ही प्यार से बोलती है, क्या हुआ युग बाबू, आपको ठंड लग रही है क्या? अगर ठंड लग रही है तो मैं आपको गर्मी दे सकती हूँ। जिस्म की गर्मी? उसके बाद आपको फिर कभी ठंड नहीं लगेगी। युग हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैंने कहा आपको ठंड लग रही है, रुकिए मैं अभी गर्मी का इंतजाम करके आती हूँ। इतना कहकर यामिनी वहाँ से जाने लग जाती है। युग यामिनी को रोक पाता उससे पहले ही यामिनी वहाँ से चली जाती है। युग खुद से कहता है, ये यामिनी ना बड़ी अजीब है, कब क्या करती है कुछ पता ही नहीं चलता।
एक और बात, मैंने तो शर्ट पहन के रखी है, यामिनी ने तो साड़ी पहनी है, फिर भी उसे ठंड क्यों नहीं लग रही? ये बड़ी अजीब बात है। युग ये सब सोच ही रहा था कि उतनी देर में ही वहाँ पर यामिनी वापस आ जाती है, जो अपने साथ एक पॉलीथीन में छोटी छोटी सूखी लकड़ियाँ लेकर आई थी। युग उन सूखी लकड़ियों को देखते हुए कहता है, ये तुम कहाँ से लेकर आ गई यामिनी? बाहर तो बारिश हो रही है और इसी वजह से सारी लकड़ियाँ गीली भी होंगी, तुम्हें भरी बरसात में ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ पर मिल गई? युग बाबू, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक मछुआरन हूँ और इसी घाट पर अपनी दुकान लगाती हूँ। मैंने यहीं पर पॉलीथीन के अंदर रखी थी तो वहीं से निकाल कर ले आई आपके लिए। युग और कुछ पूछ पाता उससे पहले ही यामिनी उन लकड़ियों को इकट्ठा करती है और झोपड़ी के अंदर ही जला देती है। आग जलने के साथ ही ठंड तो कम हुई थी, साथ में आसपास उजाला भी हो गया था, पर बरसात अभी तक नहीं रुकी थी, वो अभी भी हो रही थी। युग ने शाम से कुछ नहीं खाया था, इस वजह से उसे जोरों की भूख लगने लग जाती है और वो अपने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ने लग जाता है। यामिनी ये बात नोटिस कर लेती है और बड़े ही प्यार से कहती है, आपको भूख लग रही है ना युग बाबू? युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? यामिनी हंसते हुए कहती है, अब ऐसे पेट पर हाथ रखोगे तो पता तो चलेगा ही ना कि आपको भूख लगी है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी इसका भी इंतजाम कर देती हूँ। इतना कहकर यामिनी रेत पर से उठती है और सामने किश्तोई नदी के पास जाने लग जाती है। युग यामिनी को रोकते हुए कहता है, अरे यामिनी रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगी। यामिनी नदी के पास जाते हुए कहती है, युग बाबू, मैं कौन सी सूखी हुई हूँ जो भीग जाऊंगी, मैं तो पहले से ही भीगी हुई हूँ। इतना कहकर यामिनी नदी के पास पहुँच जाती है। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था। युग को लगता है कहीं यामिनी नदी में ना बह जाए, इसलिए वो भी यामिनी के पास जाने लग जाता है। जब वो झोपड़ी के बाहर निकलता है तो देखता है कि बरसात अब कुछ धीमी हो गई थी। युग यामिनी के पास जाते से ही कहता है, ये तुम क्या कर रही हो यामिनी, नदी में क्यों उतर रही हो? यामिनी नदी में उतरते हुए कहती है, मछली पकड़ने के लिए युग बाबू। अब आपको भूख लगी है तो मेरा फर्ज तो बनता है ना आपको कुछ ना कुछ खिलाना। आखिर आज रात के लिए आप मेरे मेहमान हैं। ये रोंका मुचा घाट मेरा घर ही तो है, युग यामिनी पर चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि उसे यामिनी की जान की परवाह थी। तुम पागल हो रही हो क्या यामिनी, मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रही हो? यामिनी नर्म लहजे से कहती है, ये जान भी तो आपकी ही दी हुई है युग बाबू, अब ये चली भी जाए तो कोई गम नहीं। युग को यामिनी की बात सुनाई नहीं देती है और वो कहता है, यामिनी पागलपन मत करो, भला इतनी बारिश में भी कोई मछली पकड़ता है क्या? और ये सब छोड़ो, तुम्हारे पास तो जाल भी नहीं है मछली पकड़ने के लिए। युग बाबू, यामिनी के हाथ जाले से कम है क्या? युग बिचकते हुए कहता है, मतलब? मतलब मत पूछिए युग बाबू, आप बस चुपचाप खड़े होकर यामिनी के हाथों का कमाल देखिए। युग के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या करने वाली थी। यामिनी नदी के कुछ और अंदर घुसती है जिस कारण उसके पैर घुटने से भी नीचे तक डूब जाते हैं। यामिनी झुकती है और अपने दोनों हाथ नदी में डालने लग जाती है। युग यामिनी को एकटक नजर से देखे जा रहा था। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर ये यामिनी क्या कर रही है पानी में हाथ डालकर। जैसे ही यामिनी अपने दोनों हाथ बाहर निकालती है, युग देखता है कि यामिनी के हाथों में एक बड़ी सी मछली थी जो उसने एक बार में ही पकड़ ली थी। युग ये सब देखकर भौचक्का रह जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, अरे युग बाबू, आप खड़े क्या हैं? ये मछली पकड़िए, तभी तो मैं दूसरी मछली पकड़ पाऊंगी। युग यामिनी के पास जाने लग जाता है, उसके भी पैर घुटने तक पानी से भीग जाते हैं। यामिनी युग को वो मछली पकड़ा देती है और दूसरी मछली पकड़ने लग जाती है। जैसे ही यामिनी अपने हाथ नदी में डालती है, उसके हाथ में फिर एक मछली आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी जलपरी की रानी हो और सारी ही मछलियां उसकी बात मान रही थी। यामिनी दूसरी मछली भी युग के हाथों में थमा देती है। यामिनी तीसरी मछली पकड़ने के लिए अपने हाथ नदी में डालने ही वाली थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिरने लग जाती है। यामिनी चीखती है, आह, मेरा पैर! यामिनी नदी में गिर पाती उसके पहले ही युग यामिनी को पकड़ने लग जाता है, पर यामिनी को पकड़ने के चक्कर में वो भी अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है और दोनों ही नदी के अंदर थप से गिर जाते हैं। युग नदी के अंदर था और यामिनी युग के बदन के ऊपर। वो दो मछली जो यामिनी ने पकड़ी थी उसमें से एक तो नदी में ही वापस से बह गई थी, पर दूसरी मछली युग के सीने और यामिनी के वक्ष के बीच में फंस गई थी। उसी मछली ने उन दोनों के स्तनों के बीच दूरी बनाए रखी थी, वरना दोनों एक दूसरे से स्पर्श कर जाते। यामिनी और युग दोनों के ही दिल जोरों से धड़क रहे थे। दोनों के जिस्म के कई अंग एक दूसरे के जिस्मों से स्पर्श कर रहे थे। युग यामिनी की आंखों में खो सा गया था। यामिनी की आंखों में एक आग थी जो उसने आज तक पहले कभी किसी लड़की की आंखों में नहीं देखी थी। यामिनी की आंखों में देखते हुए युग की काम वासना बढ़ने लग गई थी। उसका अपनी इंद्रियों से काबू हटते जा रहा था। आज से पहले वो किसी लड़की के बदन के इतने करीब पहले कभी नहीं आया था, शालिनी के भी नहीं। युग का हाथ अपने आप उठने लग गया था जो सीधे यामिनी की गोरी कमर पर ही थमकर दम भरता है।
अभी युग ने अपना हाथ यामिनी की कमर पर रखा ही था कि यामिनी उस स्पर्श को महसूस कर लेती है और उसकी सांसें जोरों से चलने लग जाती हैं। इतने जोरों से कि युग उसकी दिल की धड़कन साफ साफ सुन पा रहा था। युग का अपने आप पर से काबू हट गया था। वो इसके आगे कुछ और करना ही चाहता था कि तभी वो मछली जो उन दोनों के स्तनों के बीच में फंसी हुई थी वो फड़फड़ाने लग जाती है। मछली को फड़फड़ाते हुए देख युग का ध्यान भटक जाता है और वो भूल जाता है कि वो आगे क्या करने वाला था। यामिनी वापस से मछली को एक हाथ से पकड़ती है और युग के बदन पर से उठते हुए कहती है, ये मछलियां भी ना पता नहीं कहां कहां फंस जाती हैं, आसानी से हाथ में आती ही नहीं है, बड़ी चिकनी होती है। यामिनी के उठने के बाद युग भी नदी में से उठ जाता है। यामिनी अपने कपड़े साफ करते हुए कहती है, जिन पर रेत लग गई थी, दूसरी बार भी आपने मेरी जान बचा ली युग बाबू, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। युग हैरानी के साथ कहता है, दूसरी बार मतलब? मैंने तो बस पहली बार तुम्हारी जान बचाई है यामिनी। यामिनी बात को घुमाते हुए कहती है, आपको नहीं पता युग बाबू, पर इससे पहले भी अनजाने में ही सही कई बार आपने मेरी जान बचाई है, कई बार हम दूसरों की मदद भी कर देते हैं और हमें खुद पता ही नहीं चलता, इसे ही इंसानियत कहते हैं। अब आप ये सब छोड़िए और जल्दी बाहर निकलिए नदी से, अगर ये मछली भी मेरे हाथ से छूट गई तो मैं दोबारा मछली नहीं पकड़ पाऊंगी। युग बिना कोई सवाल पूछे नदी से बाहर चले जाता है। जो आग यामिनी ने जलाई थी उसी में यामिनी मछली को भूंजती है और आधी युग को देकर खाने लग जाती है। यामिनी मछली का एक पौर खाते हुए कहती है, क्यों युग बाबू, कैसी लगी आपको मछली, आपने बताया नहीं। युग भी मछली खाते हुए कहता है, बढ़िया है यामिनी, इतनी ताजा मछली मैंने पहले कभी नहीं खाई। युग भूंजी मछली और मौसम का लुत्फ उठा ही रहा था कि मछली खाते खाते उसे अमोदिता का ख्याल आता है और वो मन ही मन सोचने लग जाता है, मुझे तो मछली लेकर अमोदिता के पास जाना था, मैं यहाँ पर यामिनी के साथ क्या कर रहा हूँ। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मुझे अमोदिता के पास जाना है। युग के मुंह से अमोदिता का नाम सुनकर यामिनी शॉक्ड हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू अमोदिता का कैसे नाम ले रहे हैं, आज से पहले तो उन्होंने मेरे सामने शालिनी के सिवा किसी लड़की का नाम नहीं लिया, फिर ये अचानक से मेरे और युग बाबू के बीच में अमोदिता कहां से टपक पड़ी। युग फिर कहता है, मुझे अमोदिता के पास जाना है अभी, यामिनी तुम एक और मछली पकड़ कर दे दो, मैं और अमोदिता उसे साथ में खाएंगे। यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है। युग फिर कहता है, मुझे अमोदिता के पास जाना है, मेरी अमोदिता के पास। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर मेरे युग बाबू को हुआ क्या है, जरूर इस अमोदिता की बच्ची ने मेरे युग बाबू के साथ कुछ कांड किया है। यामिनी युग से कहती है, युग बाबू जरा आप अपने हाथ दिखाना मुझे। युग हैरानी के साथ कहता है, हाथ पर क्यों यामिनी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग हैरानी के साथ कहता है, हाथ पर क्यों यामिनी। अरे युग बाबू आप दिखाइए तो सही, आप ना सवाल बहुत पूछते हैं। मैंने कहा हाथ दिखाइए तो बस हाथ दिखाइए, मैं थोड़े आपके हाथ को चूमने लग जाऊंगी जो आप लड़कियों की तरह इतना शर्मा रहे हैं। यामिनी कुछ और बोले उससे पहले ही युग अपने दोनों हाथ यामिनी के हाथों में थमा देता है। यामिनी युग के हाथ थामकर उसकी आंखों में देखने लग जाती है। युग को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है, वो हिचकिचाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो यामिनी। यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है। युग फिर वही सवाल करता है पर यामिनी इस बार भी कुछ जवाब नहीं देती है। युग के बार बार पूछने पर भी जब यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है तो युग चुप रहना ही बेहतर समझता है। यामिनी एकटक नजर से युग की आंखों में देखते जा रही थी। कुछ पल के लिए युग को ऐसा लगता है कि यामिनी की आंखों से सफेद रोशनी निकल रही हो जो सीधे उसकी आंखों के अंदर प्रवेश कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी युग की आंखों में देखकर उसका अतीत जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद ही यामिनी युग के हाथ छोड़ देती है और घबराते हुए कहती है, ये अमोदिता की बच्ची ने ठीक नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या अच्छा नहीं किया और किसने। यामिनी बात को दबाते हुए कहती है, कुछ नहीं युग जी, आपने मछली खाई थी तो आपको प्यास लगने लग गई होगी ना। युग को उसकी प्यास का कुछ एहसास ही नहीं था पर जैसे ही यामिनी ने यह बात बोली थी उसका गला सूखने लग जाता है। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ यामिनी तुमने ठीक कहा, मुझे प्यास लग रही है, मैं तो मछली खाने के बाद पानी पीना ही भूल गया था। यामिनी झोपड़ी में से बाहर निकलते हुए कहती है, चलिए मैं आपकी प्यास बुझा देती हूँ। युग बिना कुछ कहे यामिनी के पीछे पीछे जाने लग जाता है। बारिश की बूंदें अभी भी धीमी रफ्तार के साथ बरस रही थी। यामिनी किश्नोई नदी के पास जाती है, अपनी हथेली में पानी लेती है और मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लग जाती है जैसे कोई मंत्र सा पढ़ रही हो। युग एकटक नजर से यामिनी को देखते रहता है। वो मन ही मन सोचता है, ये यामिनी क्या कर रही है। युग को लगता है कि यामिनी ने अपने लिए अपनी हथेली में पानी निकाला है।
इसलिए वो अपने लिए पानी लेने के लिए अपने हाथ नदी में डालने लग जाता है। युग अपने हाथ नदी के अंदर डाल पाता उससे पहले ही यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे युग बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? ये पानी मैंने आपके लिए तो निकाला है। आपको पता है ना, आप नदी का पानी अपनी हथेली में नहीं ले सकते। पिछली बार क्या हुआ था, भूल गए क्या आप? जैसे ही यामिनी ये बात कहती है, युग को पिछली बार की बात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने पानी पीने के लिए नदी में अपने हाथ डाले थे तो हमेशा उसके हाथों में मिट्टी और कंकड़ ही आए थे। युग पिछली बार की बात याद ही कर रहा था कि यामिनी उसे फिर से टोकते हुए कहती है, अरे युग बाबू, अब कहाँ खो गए आप ना बहुत सोचते हैं। इंसान को इतना भी नहीं सोचना चाहिए, वरना उसके बाल जल्दी झड़ जाते हैं। चलिए अब जल्दी से अपने हाथ आगे कीजिए और पानी पी लीजिए। युग कहता कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथ आगे कर देता है। यामिनी अपनी हथेली से युग की हथेली में पानी देने लग जाती है और युग यामिनी की आंखों में देखते हुए पानी पीने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी युग को पानी नहीं बल्कि अमृत पिला रही थी, उस जहर को बाहर निकालने के लिए जो अमोदिता ने उसे पिलाया था। जैसे युग का पानी पीना होता है, युग अपने हाथों से अपनी आंखें मलने लग जाता है। यामिनी बड़े प्यार से युग से पूछती है, अब तो आपको उस अमोदिता की याद नहीं आ रही ना? युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे भला अमोदिता की याद क्यों आएगी यामिनी? अरे अभी आप ही तो कह रहे थे ना कि मुझे अमोदिता के पास जाना है, उसके साथ ही मछली खाऊंगा। यामिनी तुम मुझे एक और मछली पकड़ कर दे दो, अभी आप ही तो ये सब बोल रहे थे ना? युग बिचकते हुए कहता है, मैं ये सब बोल रहा था पर कब? मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? युग की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी के पानी पिलाने से अमोदिता के टोने का असर खत्म हो गया था। एक दो दिन में युग ने अमोदिता के साथ जो जो किया था, जो जो बातें की थी, उसे कुछ याद नहीं था। यामिनी मन ही मन सोचती है, चलो वशीकरण तो टूट गया पर इस अमोदिता की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे युग बाबू पर टोना करने की? यामिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी युग यामिनी को टोकते हुए कहता है, अब तुम कहां पर खो गई यामिनी? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे अरे कहीं नहीं युग बाबू, बस यही अब हिसाब बराबर हुआ। युग हैरानी के साथ कहता है, कैसा हिसाब? हिसाब ये कि एक बार आपने मेरी जान बचाई थी और अब मैंने आपकी बचा दी, तो हुआ ना हिसाब बराबर। युग अनजान बनते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी पर कब? युग यामिनी के सवालों का कुछ जवाब देती उससे पहले ही बारिश की बूंदें तेज तेज बरसनी शुरू हो जाती है। यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, अरे बारिश तेज हो गई, युग बाबू जल्दी झोपड़ी के अंदर चलिए, मैं और भीगना नहीं चाहती वरना मुझे सर्दी हो जाएगी। इतना कहकर यामिनी जो झोपड़ी उसने और युग ने बनाई थी उसकी तरफ भागने लग जाती है। युग भी यामिनी के पीछे पीछे भागने लग जाता है। युग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक भंवरा फूल के पीछे भाग रहा हो। सुबह हो गई थी और सुबह के 8 बज रहे थे और इस तरफ रोंकामुचा गांव में हवेली में अमोदिता छत पर खड़ी हुई थी और अपने हाथ में मोबाइल लेकर बार बार युग को फोन किए जा रही थी, पर युग का मोबाइल नहीं लग रहा था, हर बार की तरह कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। अमोदिता परेशान होते हुए कहती है, ये युग जी का मोबाइल लग क्यों नहीं रहा है? ये युग जी भी ना पता नहीं कहां रह जाते हैं। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर गीले कपड़ों की बाल्टी लेकर रजनी आ जाती है। रजनी अमोदिता को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, छत पर खड़े खड़े क्या कर रही है? यहाँ मैं इतनी सीढ़ियां चढ़कर कपड़ों की बाल्टी लेकर आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और तू है कि यहाँ सुबह सुबह धूप खा रही है, आराम फरमा रही है। अमोदिता उदासी के साथ कहती है, आराम नहीं फरमा रही हूँ माँ। रजनी चिल्लाते हुए कहती है, आराम नहीं फरमा रही है तो क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? अमोदिता का पहले से ही मूड ऑफ था, रजनी के चिल्लाने पर उसका और मूड ऑफ हो जाता है। अमोदिता रजनी पर दहाड़ते हुए कहती है, माँ तुम्हें मुझे डांटे बिना चैन नहीं मिलता है क्या? जब देखो डांटती रहती हो मुझे बिना किसी मतलब के। यहाँ पर मेरा पहले से ही दिमाग खराब हुआ रखा है और तुम हो कि उसे और खराब कर रही हो। रजनी झट से कपड़ों की बाल्टी छत के फर्श पर रखती है और फुर्ती के साथ अमोदिता के पास जाती है। रजनी ने आज तक अमोदिता का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा था। वो अमोदिता को देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। रजनी अमोदिता के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे अमोदिता तुझे हुआ क्या, तू बताएगी कुछ? अमोदिता उदासी के साथ कहती है, अब तुमको क्या बताऊं माँ, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है जिंदगी में। रजनी बिचकते हुए कहती है, तू ये प्रवचन देना बंद करेगी और सीधे सीधे बताएगी हुआ क्या है, क्यों सुबह सुबह सड़ी हुई गोभी की तरह मुंह बनाकर बैठी हुई है? माँ तुमको पता है कल शाम ना मुझे योग जी का फोन आया था। अमोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, क्या कहा, योग का फोन आया था, क्या बोला वो? वो तैयार हो गया ना तुझसे शादी करने के लिए? अमोदिता रजनी पर चढ़ते हुए कहती है, अरे माँ पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, बात तो पूरी होती नहीं ख्याली पुलाव तुम पहले पकाने लग जाती हो। रजनी अकड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ बोल क्या बोल रही थी तू? अमोदिता उदासी के साथ कहती है, कल शाम को युग जी का कॉल आया था और तुमको पता है माँ युग जी ना मुझसे मिलने आने वाले थे, मैं तो समझ गई थी कि रात में वो मुझसे मिलने क्यों आ रहे थे। रजनी झट से पूछती है, क्यों आ रहा था वो तुझसे रात में मिलने के लिए? अमोदिता शर्माते हुए कहती है,
और क्यों माँ, वही सब करने के लिए जो आप रात में पापा के साथ करती हो। रजनी झट से जवाब देती है, पैर दबाने के लिए। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, रात में युग तेरे पैर दबाने के लिए आ रहा था क्या इतनी दूर से? अमोदिता चिढ़ते हुए कहती है, माँ तुम क्या रात में पापा से अपने पैर दबवाती हो? नॉर्मल औरों के पेरेंट्स की तरह आप दोनों वो नहीं करते क्या? रजनी अमोदिता पर बिलकते हुए कहती है, नालायक लड़की तू ये पहेलियां क्यों बुझाती रहती है? सीधे सीधे नहीं बता सकती क्या युग तुझसे मिलने क्यों आ रहा था रात में? अमोदिता जवाब देती है, तो कहां पर थी मैं? माँ तुम ना बीच में बार बार टोक कर सब कुछ भुला देती हो। अब जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती तुम बीच में मत बोलना, ठीक है माँ? तू बोल तो नालायक। अमोदिता कहती है, माँ शाम को ना युग जी का फोन आया था और वो कह रहे थे कि मुझसे मिलने आने वाले हैं। मैं समझ गई कि वो मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं, इसलिए मैंने वो अपनी हवेली के पीछे झोपड़ी है ना उसकी साफ सफाई भी करवा दी थी, यहाँ तक कि गद्दा भी रखवा दिया था ताकि करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर शाम से रात हो गई, रात से दिन, पर युग जी अभी तक आए ही नहीं। अरे नालायक लड़की तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रही है? तेरे पास फोन है ना, फोन करके पूछ ले कि क्यों नहीं आया युग। तू भी ना सही में नालायक ही है। अरे माँ शाम से कॉल कर रही हूँ, यहाँ तक कि सारी रात युग जी को फोन करते करते ही सो गई, पर उनका फोन लग ही नहीं रहा, नेटवर्क से बाहर बता रहा है। मुझे तो ना उनकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं। अरे तू ना बेवजह ही फिक्र कर रही है, तुझे पता है ना युग अपने वो लफंगे दोस्तों के साथ रहता है, किसी को कुछ काम धाम तो है नहीं, दिन भर उसी के साथ बैठे रहते हैं निकम्मे कहीं के। तो रोक लिया होगा उन्हीं में से किसी ने और नहीं आने दिया होगा यहाँ पर, कहा होगा सुबह चले जाना। अमोदिता अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है माँ। अरे नालायक लड़की मैं गलत बोलती ही कहा हूँ, युग यहाँ पर नहीं आ पा रहा तो क्या हुआ, तू तो युग के पास जा सकती है ना। एक काम कर, तू अभी ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जा और वहीं पर योग के साथ सब कुछ कर लेना, वहां पर तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना यहाँ पर तो तुझे पता ही है झोपड़ी के अंदर कोई ना कोई आ ही जाता है। ठीक है माँ, मैं अभी ग्रेवयार्ड कोठी चली जाती हूँ। इतना कहकर अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए वहां से निकल जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में अभिमन्यु, कायर और कछुआ रात में ज्यादा शराब पी लेने की वजह से फर्श पर ही अस्त व्यस्त तरीके से पसर कर सो रहे थे। तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, शराब की बोतलें उन्हीं की तरफ फर्श पर बिखरी हुई थी जिसमें से एक दो बोतल टूट चुकी थी। तीनों सो ही रहे थे कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कायर नींद में ही बड़बड़ाता है, अरे कछुए कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जा जाकर देख कर आना कौन है। कछुआ कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था, उसे कुछ होशो हवास ही नहीं था। कायर फर्श पर से उठते हुए कहता है, लगता है मुझे जाकर देखना पड़ेगा। इतना कहकर कायर अपनी जगह पर से उठता है, अंगड़ाई लेते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा खोल देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर युग खड़ा हुआ था। कायर उबासी लेते हुए कहता है, अरे युग तू आ गया। युग कायर की हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर उसके दोस्तों ने रात में कार्यक्रम किया था। युग घर के अंदर घुसने लग जाता है, जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है अपने हाथों से अपनी नाक बंद कर लेता है। युग अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है, ये क्या हालत बना दी है तुम तीनों ने ग्रेवयार्ड कोठी की। कायर झट से कहता है, मैंने नहीं यार, इन दोनों ने, देख कितने आराम से सो रहे हैं घोड़े बेचकर। कोठी के अंदर हर जगह शराब की महक आ रही थी क्योंकि रात में पार्टी करते वक्त इन तीनों ने शराब पी कम थी, गिराई ज्यादा थी। युग की आवाज सुनकर अभिमन्यु और कछुए की भी नींद खुल जाती है। कछुआ उठते से युग को देखते हुए कहता है, अरे युग तू आ गया, और बता कैसे बीती तेरी रात अमोदिता के साथ। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा रात, वो भी अमोदिता के साथ। कछुआ उठकर बैठते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, तू कल शाम को अमोदिता से ही तो मिलने गया था ना, तो जाहिर सी बात है रात भी उसी के साथ बिताई होगी। पागल हो रहे क्या, भला मैं अमोदिता से मिलने क्यों जाऊंगा, मुझे उससे क्या काम, मैं तो मछली लेने गया था ना, तुम लोगों ने बोला था तो। युग की बातें उसके दोस्तों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, सारी की सारी सर के ऊपर से निकल रही थी। अभिमन्यु तो मन ही मन यही सोच रहा था कि ये युग को हो क्या गया, ये अचानक से इतना बदल कैसे गया। कल तक तो अमोदिता के नाम की माला जप रहा था और अब देखो उसके नाम से ही चिढ़ रहा है, कहीं टोना टूट तो नहीं गया जो युग पर किया गया था। अभिमन्यु युग से कुछ बोल पाता उससे पहले युग बोल पड़ता है, मैं अमोदिता से मिलने कहां गया था, मैं तो मछली लेने गया था ना, पर कल रात इतनी जोरों की बारिश हो रही थी कि क्या बताऊं, इसलिए मैं यामिनी के साथ ही घाट पर रुक गया। युग की बात सुनकर अभिमन्यु, कायर और कछुआ तीनों भौचक के रह जाते हैं। अभिमन्यु बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मतलब कल रात तू अमोदिता के साथ नहीं बल्कि यामिनी के साथ था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मतलब कल रात तू अमोदिता के साथ नहीं बल्कि यामिनी के साथ था। युग झट से कहता है, हाँ यार और नहीं तो क्या, अभी बताया ना मैंने कि मैं यामिनी के साथ था।
कछुआ अपनी भौवें ऊपर नीचे करते हुए युग से पूछता है, फिर कल रात तेरे और यामिनी के बीच कुछ हुआ? युग को कछुए की बात समझ में नहीं आती और वो मुंह बनाते हुए पूछता है, कुछ हुआ से तेरा क्या मतलब है? कछुआ शर्माते हुए कहता है, अरे मतलब वही जो एक लड़के और लड़की के बीच में होता है जब वो दोनों अकेले रहते हैं। तू तो रात भर यामिनी के साथ था, तो तुम दोनों के बीच तो जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। बता ना फिर क्या क्या किया तूने यामिनी के साथ? युग मासूमियत के साथ जवाब देता है, बातें की और कुछ नहीं किया। हाँ उसने मछली भी खिलाई थी मुझे, वो भी ताज़ा ताज़ा मेरे सामने नदी में से पकड़कर। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, तेरी मछली की तो, सारे झूठ क्यों बोलता है? सीधे सीधे बताना क्या किया तूने कल रात। हमसे कैसा शर्माना, आखिर हम भी तो तेरे दोस्त ही हैं। हम किसको बताने वाले हैं जो तू बताने से इतना डर रहा है? युग अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अरे बताया तो हम दोनों ने रात में बस बातें की और फिर हम सो गए और कुछ नहीं किया। कछुआ झट से बोलता है, अरे तो वही पूछ रहा हूँ, तुम दोनों साथ साथ सोए थे क्या? युग कछुए पर चिल्लाते हुए कहता है, तू ना कछुए, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है। जरूरी नहीं यदि एक लड़का और लड़की रात भर साथ में रुके तो उनके बीच कुछ हुआ हो। युग का गुस्सा देखकर कछुआ शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। युग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, हम दोनों रात में झोपड़ी में बैठकर बस बातें कर रहे थे और बातें करते करते ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब सुबह उठा तो सूरज निकल चुका था पर यामिनी वहां पर नहीं थी। शायद वो अपने बाबा के पास चली गई होगी और मैं यहां आ गया। तुम लोग बिना कुछ भी सोचते हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, थकान भी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बदन टूट रहा हो। युग के ये बोलते ही उसके दोस्त उसे हैरानी के साथ घूरने लग जाते हैं। इतना कहकर युग अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। युग के जाते ही कछुआ अभिमन्यु और कायर से बोलता है, देखा तुम दोनों ने इस युग को, अभी कह रहा था रात में बातें करते करते कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला, और अब कह रहा है कि नींद आ रही है, मुझे सोने जाने तो, बदन दर्द कर रहा है। आखिर रात में इसने ऐसा क्या किया जो इसका इतना बदन दर्द करने लग गया? अभिमन्यु और कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। काफी हद तक उन्हें कछुए की बात ठीक लग रही थी। इस तरफ अमोदिता अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। उसने बंगलामुटा घाट पार कर लिया था और वो काला झाड़ी जंगल पार कर रही थी। काला झाड़ी जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हरे भरे पेड़ होने के बावजूद भी हवाएं नहीं चल रही थी। अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं युगजी के साथ वो सब करके ही रहूंगी। वो सब किए बिना ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलूंगी नहीं, चाहे उसके लिए सारी रात युगजी के साथ वहीं पर क्यों न रहना पड़ जाए। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ रही थी, तभी उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। ये तो ने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया अमोदिता? औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनकर अमोदिता जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। अमोदिता घबराते हुए खुद से कहती है, ये कैसी आवाज थी? इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ने लग जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे सुनसान जंगल के सिवाय कुछ और नहीं था। अमोदिता खुद से कहती है, लगता है मेरे कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं, मुझे ना ज्यादा देर तक हेडफोन में गाने नहीं सुनने चाहिए थे, ये उसी का असर है। इतना कहकर अमोदिता फिर से आगे बढ़ने लग जाती है। अभी अमोदिता ने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसे फिर से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, बुरे कर्मों का बुरा फल, अमोदिता तेरे प्राण जाएंगे निकल। ये डरावनी आवाज सुनकर अमोदिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। अमोदिता घबराते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है यहाँ पर? फिर औरत की आवाज सुनाई देती है, बुरे कर्मों का बुरा फल, अमोदिता तेरे प्राण जाएंगे निकल। अमोदिता अपने आसपास देखते हुए घबराते हुए कहती है, कौन है, कौन है यहाँ पर, सामने क्यों नहीं आता, कौन हो तुम? औरत की हंसते हुए आवाज सुनाई देती है। अमोदिता अपने चारों तरफ देखने लग जाती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो घबरा जाती है। अमोदिता की कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, तू तो गई अमोदिता, तू आज नहीं बचने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई युग पर वशीकरण करने की? ये बात सुनकर अमोदिता की आंखें फटी की फटी रह गई थी, उसे सांप सूंघ गया था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये आवाज किस औरत की है और उसे कैसे पता चला कि मैंने युगजी को अपने वश में करने के लिए उन पर टोना किया था? आखिर ये है कौन और मेरे सामने क्यों नहीं आती? औरत की फिर हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, कहीं ये यक्षिणी तो नहीं? पर ये कैसे हो सकता है, यक्षिणी को तो खुद पापा और फूफा जी ने मिलकर उस रात को कैद कर दिया था, फिर ये कौन हो सकती है? अमोदिता ने अभी इतना ही सोचा था कि तभी उसे लगता है कि जैसे कोई भागते हुए उसके पास आ रहा हो और फुर्ती के साथ अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा हो। अमोदिता डर जाती है, उसे अपनी जान की चिंता होने लग जाती है, उसे लगने लग जाता है कि उसके पास आती हुई चीज उसे कहीं मार न दे। अमोदिता बिना पीछे मुड़े भागने लग जाती है। वो इतना घबरा गई थी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि एक बार पीछे मुड़कर देख ले। वो बस जंगल को चीरते हुए ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ भागती जा रही थी। उसके पीछे से किसी और के भी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी जो उसकी तरफ लगातार बढ़ते जा रही थी। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है,
बड़ा शौक है ना तुझे जादू टोना करने का। रुक जा अमोदिता, आज तेरी खैर नहीं, आज तेरा अंत है। अमोदिता और तेजी के साथ भागने लग जाती है। उसके अंदर जितनी जान थी उसने पूरी जान लगा दी थी। उसे पता था यदि वो रुकी तो उसकी मौत निश्चित है। अमोदिता भागते भागते थकने लग गई थी, उसकी सांसें फूलने लग गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि वो अब ज्यादा देर तक भाग नहीं सकती थी। उसके पीछे से आती हुई कदमों की आहट तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे जो शख्स आ रहा था वो जल्दी ही अमोदिता के करीब पहुंचने वाला था। अमोदिता भागते भागते थकने ही वाली थी कि तभी सामने से आते हुए एक लड़के से वो टकरा जाती है। वो लड़का कहता है, अरे अमोदिता तुम। जब अमोदिता उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का जिससे वो टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु को देखकर अमोदिता की जान में जान आती है और वो हड़बड़ाहट के साथ घबराते हुए कहती है, मुझे बचा लो अभिमन्यु वरना वो मुझे मार देगी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कौन अमोदिता, कौन तुम्हें मार देगी। अमोदिता अपने हाथ से काला झाड़ी जंगल की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो वही अभिमन्यु, वो मुझे मार देगी। अमोदिता इतना कहकर चुप हो जाती है। अभिमन्यु फिर अमोदिता से पूछता है, कौन अमोदिता। जब अमोदिता अपने सामने नजरें करती है और काला झाड़ी जंगल में उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो समझ जाती है कि अभिमन्यु को यक्षिणी के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं है। अभिमन्यु बहुत चालाक है और वो अपना दिमाग लगाकर सवाल पूछकर समझ जाएगा कि उसने युग पर टोना किया था। अमोदिता बात को घुमाते हुए कहती है, वो जंगली बिल्ली अभिमन्यु। अभिमन्यु बिचकते हुए कहता है, क्या कहा, जंगली बिल्ली। अमोदिता अभिमन्यु को अपनी बात पर भरोसा दिलाते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु वो जंगली बिल्ली मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे मार कर ही दम लेगी। वो तो अच्छा हुआ तुम आ गए वरना पता नहीं वो जंगली बिल्ली मेरा क्या हाल करती। अमोदिता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम किस जंगली बिल्ली की बात कर रही हो। मैं तो इतने दिनों से जंगल पार कर रहा हूँ पर मुझे तो कोई जंगली बिल्ली आज तक नहीं दिखी। अमोदिता फटाक से बोल देती है, वो सबको नहीं दिखती अभिमन्यु, बस औरतों को दिखती है। ये सब छोड़ो और ये बताओ युग जी कहाँ पर है। अभिमन्यु को अमोदिता की बातें बहुत अजीब लगती हैं पर वो जानता था कि अमोदिता के पीछे दिमाग खपाना बेकार है। वो कब क्या बोलती है उसे खुद पता नहीं होता है। अभिमन्यु अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, युग तो ग्रेवयार्ड कोठी में है, अपने कमरे के अंदर सो रहा होगा भी। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा, युग जी सो रहे हैं वो भी अभी तक, इतनी देर तक भी भला कोई सोता है क्या। वो क्या है ना, कल रात युग रोंका मुझा घाट पर गया था ना तो आज सुबह ही आया तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए सुबह आते से ही सो गया। अमोदिता मनी मन सोचने लग जाती है, अगर युग जी कल रात रोंका मुझा घाट पर थे तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, वो सारी रात घाट पर क्या कर रहे थे अकेले। अमोदिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, अरे अमोदिता कहाँ खो गई। अमोदिता जवाब देती है, कहीं नहीं बस यूं ही। ये बताओ अभिमन्यु तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो मैं रोंका मुचा गांव जा रहा हूँ, कल वांगला त्योहार है ना तो उसी सिलसिले में काम है। अमोदिता चालाकी के साथ कहती है, क्या काम है अभिमन्यु तुम्हें वहां पर, अगर तुम चाहो तो मैं अपने पापा से बोल देती हूँ वो जल्दी करवा देंगे तुम्हारा काम। अभिमन्यु अमोदिता की चालाकी समझ जाता है कि वो जानना चाहती थी कि उसे क्या जरूरी काम था रोंका मुचा गांव में। अभिमन्यु भी बड़ी चालाकी के साथ जवाब देता है, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं अमोदिता, मैं तुम्हारे पापा से बात कर चुका हूँ, बस जाकर उनसे मिलकर आना है और यदि तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो मुझे क्या काम है वहाँ पर, वैसे कल बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें मेले में। अमोदिता एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या कहा सरप्राइज, वो भी मुझे, कैसा सरप्राइज। अमोदिता मैंने कहा ना सरप्राइज है, और सरप्राइज बताए नहीं जाते समझी, वो तो तुम्हें कल मेले में आकर ही पता चलेगा। अच्छा अब मैं जाता हूँ, अगर देर हो गई तो तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे, मेरा नंबर किसी और को ना दे दे। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से जाने लग जाता है। अमोदिता अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, अरे अभिमन्यु सुनो तो, युग जी अपने कमरे में ही है ना। अभिमन्यु जवाब देता है, हाँ अमोदिता अभी बताया तो तुम्हें, तुम ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को धक्का देना वो खुल जाएगा, मैं लॉक करके नहीं आया हूँ, तुम युग के जगने का इंतजार कर सकती हो, वैसे भी उसे सोए हुए 3-4 घंटे हो गए हैं, हो सकता है तुम्हारे जाने से उसकी नींद खुल जाए, वैसे कल तक तुम्हारे नाम की बड़ी माला जप रहा था वो, आखिर क्या जादू किया है तुमने उस पर। अभिमन्यु की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, मैं क्या जादू करूंगी भला युग जी पर, मुझे जादू टोना करना थोड़ी आता है, तुम भी ना अभिमन्यु कुछ भी बोलते रहते हो, मैं क्या तुम्हें स्वादाइन लगती हूँ। अमोदिता की बात सुनकर अभिमन्यु हक्का बक्का रह जाता है, वो मन ही मन सोचने लगता है, ये अमोदिता को स्वादाइनों के बारे में किसने बता दिया। अभिमन्यु से रहा नहीं जाता और वो अमोदिता से पूछ ही लेता है, अमोदिता तुम्हें स्वादाइनों के बारे में कैसे पता है, क्या तुम किसी स्वादाइन को जानती हो। अभिमन्यु की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है, वो बड़ी हिम्मत से अपनी बात पर जोर देते हुए जवाब देती है, अभिमन्यु तुम शायद भूल रहे हो मैं भी इसी गांव की हूँ और गांव का क्या इतिहास है, यहाँ पर क्या क्या होता है मुझे सब पता है समझे। अभिमन्यु को अमोदिता की बातों पर विश्वास नहीं होता है, उसे लगने लग जाता है कहीं अमोदिता ही तो स्वादाइन नहीं है। यही देखने के लिए वो उसके पैर देखने लग जाता है।
जब वो नीचे अपना सिर करता है तो देखता है कि अमोदिता ने जूती वाली सैंडल पहनी हुई थी जो कपड़ों की बनी हुई थी, जिस कारण अभिमन्यु को अमोदिता के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। अमोदिता बिना अभिमन्यु से कुछ कहे वहां से जाने लग जाती है। अभिमन्यु को भी रोंगकामुचा गांव जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो भी वहां से जाने लग जाता है। अमोदिता ने भागते भागते कालाझाड़ी जंगल पार कर लिया था। वो ग्रेवयार्ड कोठी से बस 100 मीटर की ही दूरी पर थी। अमोदिता के दिमाग से उस औरत की आवाजें हट गई थी जो उसे कालाझाड़ी जंगल में सुनाई दे रही थी। अब तो उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर युग शाम को उससे मिलने के लिए निकला था तो वो उससे मिलने के लिए हवेली क्यों नहीं आया, वो रोंगकामुचा घाट पर ही क्यों रुक गया, आखिर वो अकेले वहां पर रात भर क्या कर रहा था। यही सब सोचते हुए अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जैसा कि अभिमन्यु ने बताया था, दरवाजा बस टिका हुआ था। अमोदिता जैसे ही दरवाजे को धक्का देती है, दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते से ही कहती है, युग जी कहां पर हैं आप अभी तक सो ही रहे क्या? युग का कोई जवाब नहीं आता है। अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेवयार्ड कोठी में युग जी के अलावा कोई नहीं है, बस मैं हूँ और युग जी। बढ़िया है, आज मेरे और युग जी के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं आज युग जी के साथ वो सब करके ही दम लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आज मेरे और युग जी के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं आज युग जी के साथ वो सब करके ही दम भरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की ओर बढ़ाने लग जाती है। जब वो युग के कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि युग गहरी नींद में बेड के ऊपर पीठ के बल सो रहा था। अमोदिता युग के पास जाते हुए कहती है, अरे युग जी तो अभी तक सो रहे हैं। अभिमन्यु ने तो बताया था युग जी 3-4 घंटे से सो रहे हैं। उस हिसाब से तो युग जी को अभी तक उठ जाना चाहिए था। आखिर रात में इन्होंने ऐसा क्या कर लिया जो इन्हें इतनी नींद आ रही है? अमोदिता युग का चेहरा देखते हुए कहती है, युग जी को उठा दूं क्या? उठाऊं या नहीं उठाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? उठेंगे तभी तो वो मेरे साथ वो करेंगे, पर ऐसे उठाना ठीक नहीं होगा। कितने प्यार से सो रहे, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा युग जी को उठाने का। एक काम करती हूँ, यहीं पर बैठी रहती हूँ। जब युग जी उठेंगे और आंखें खोलते ही सबसे पहले मुझे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और खुशी के मारे सीधे मुझे गले लगा लेंगे। इतना सोचकर अमोदिता शर्माने लग जाती है और युग के बिस्तर के पास ही जगह बनाकर बैठ जाती है। अमोदिता युग को सोते हुए देखने लग जाती है और उसके जगने का इंतजार करने लग जाती है। इंतजार करते करते ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं, पर युग की नींद अभी तक नहीं खुली थी। अमोदिता उबासी लेते हुए कहती है, ये युग जी तो उठ ही नहीं रहे, अब क्या करूं मैं? मैं तो बोर हो गई, मेरे मोबाइल में तो बैटरी भी नहीं है कि फेसबुक ही चला लूं। अब करूं तो क्या करूं मैं? इतना कहकर अमोदिता अपनी नजरें युग के कमरे के चारों ओर घुमाने लग जाती है। अमोदिता सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसकी नजर युग के कमरे के अंदर रखे टेबल पर पड़ती है जिसके ऊपर टाइपराइटर रखा हुआ था। अमोदिता टाइपराइटर को देखते हुए कहती है, अरे ये टाइपराइटर किसका है? इतना कहकर अमोदिता बिस्तर पर से उठती है और टेबल के पास रखी कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अमोदिता टाइपराइटर को देखते हुए कहती है, ये टाइपराइटर तो बहुत पुराना लग रहा है, पर ये आया कहां से? पिछली बार जब मैं यहां पर आई थी तब तो ये टाइपराइटर यहां पर नहीं था। कहीं युग जी ने इसे किसी कबाड़ी से तो नहीं खरीदा? ये युग जी बिना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लगता है इन्हें एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक है, पर देखना शादी के बाद मैं सब कुछ बदल दूंगी, ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करने दूंगी उन्हें। अमोदिता ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर फैले कागजों पर पड़ती है जिस पर हाथों से कुछ लिखा हुआ था। वहीं पर एक पेन और चश्मा भी रखा हुआ था। अमोदिता उन कागजों को हाथ लगाते हुए कहती है, इसमें तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में लिखा है कि शुरुआत कैसे करनी है, कौन कौन सी फसलें लगानी है, पर इसमें ये सब क्यों लिखा है युग जी ने? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ याद आया, मैं तो भूल ही गई थी, युग जी ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप करने ही तो आए हैं यहाँ पर, तो खेती के प्लान्स के बारे में तो लिखेंगे ही ना, मुझे लव लेटर थोड़ी लिखेंगे, मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। इतना कहकर अमोदिता टेबल पर ही रखे चश्मे को उठाकर पहनते हुए कहती है, अरे ये चश्मा तो और भी पुराना लग रहा है, जरा लगाकर देखूं तो कैसा लगता है मुझ पर? अमोदिता अपना मोबाइल निकालती है और उसमें अपना चेहरा देखते हुए कहती है, मैं तो पूरी माँ की तरह लग रही हूँ। लगूंगी भी क्यों नहीं, आखिर मैं सौदाइन जो हूँ, मेरे अंदर उन्हीं के गुण तो है, पर समझ नहीं आता ये युग जी इतना पुराना चश्मा क्यों पहनते हैं, इन्हें तो अपने लिए नया चश्मा ले लेना चाहिए।
यही सब बड़बड़ाते हुए अपना चेहरा मोबाइल में देखते हुए अमोदिता अपनी लटों को संवार ही रही थी कि तभी उसे मोबाइल के अंदर एक काला साया दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी जान हलक में आ जाती है। अमोदिता खुद से कहती है, ये साया किसका था? इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ने लग जाती है, पर जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां सिवाय युग के और कोई नहीं था, जो कि गहरी नींद में सो रहा था। अमोदिता झट से वो चश्मा उतारकर टेबल पर रखते हुए कहती है, इस चश्मे में तो कुछ भी दिखाई देता है, जो चीज नहीं है वो भी पता नहीं युग जी कैसे पहन लेते हैं। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। अमोदिता कदमों की आहट सुनते हुए कहती है, लो आ गए युग जी के दोस्त, इनको भी अभी आना था। एक काम करती हूँ, कुछ भी बहाना करके इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल देती हूँ, आखिर तभी तो मैं युग जी के साथ वो सब कुछ कर पाऊंगी जब ग्रेवयार्ड कोठी में कोई होगा नहीं। यही सब सोचते हुए अमोदिता कुर्सी पर से उठती है और युग के कमरे से बाहर जाने लगती है। अभी अमोदिता ने युग के कमरे की दहलीज पार की ही थी कि तभी उसे एक औरत के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। तूने अच्छा नहीं किया अमोदिता, तूने अच्छा नहीं किया। औरत की आवाज सुनकर अमोदिता का दिल दहक जाता है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि यक्षिणी यहाँ पर भी आ गई क्या फिर से, लगता है ये आज मुझे नहीं छोड़ने वाली। औरत के हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। औरत की आवाज सुनकर अमोदिता इतना डर गई थी कि सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही थी, पर वो भी आखिर एक स्वादाइन थी। वो बड़ी हिम्मत करके बोलती है, क्या अच्छा नहीं किया मैंने, और ये क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है, पर कुछ ही देर बाद जब अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाने वाली होती है तभी फिर किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। तू जानना चाहती है कौन हूँ मैं? तो सुन, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह आवाज सुनकर अमोदिता की रूह कांप उठती है और उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी के हंसने की आवाजें गूंजने लग जाती है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, क्या क्या कहा तुमने? यक्षिणी? यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। तूने युग पर टोना करके ठीक नहीं किया अमोदिता, अब उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, सजा? कैसी सजा? अमोदिता जवाब का इंतजार करने लग जाती है, पर कोई जवाब नहीं आता है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यक्षिणी मेरे साथ अब क्या करने वाली है, ये मुझे क्या सजा देने वाली है? मैं तो अपने साथ राई भी नहीं लाई जिससे ये यक्षिणी डरती है, और मैं तो वो मंत्र भी भूल गई जो माँ ने मुझे बताया था। अब मैं क्या करूँ, मुझे बचा लो भगवान, आज के बाद कभी जादू टोना नहीं करूंगी पक्का, माँ के कारण फंस गई मैं। अमोदिता भगवान से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जांघों को कोई छू रहा है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो यक्षिणी, मैं कोई मर्द नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैं अंदर से औरत ही हूँ। अमोदिता को एहसास होता है कि पहले तो कोई बड़े ही प्यार से उसकी जांघों को सहला रहा था, पर देखते ही देखते कोई अदृश्य शक्ति उसकी जांघों को अपने बाजुओं की पूरी ताकत से मसलने लग जाती है। अमोदिता दर्द से कराते हुए कहती है, नहीं यक्षिणी, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। अमोदिता दर्द से करा ही जा रही थी, पर वो अदृश्य शक्ति उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमोदिता को महसूस होता है कि पहले तो वो अदृश्य शक्ति उसकी जांघों को मसल रही थी, पर देखते ही देखते वो अदृश्य शक्ति उसकी जांघों से उसके बदन के ऊपर के हिस्से की ओर अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है। हाथ बढ़ाते बढ़ाते ही वो उसके वक्ष तक पहुंच गई थी। अमोदिता चीखती है, नहीं यक्षिणी, रुक जाओ, ये सब मत करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं तुम्हारी शिकार नहीं बनना चाहती। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसने जो कुर्ती पैजामा पहनी हुई थी उसके पैजामे का नाड़ा अपने आप खुलने लग जाता है। अमोदिता की कराहने की आवाज के साथ उसके आंसू भी निकलने लग जाते हैं। अमोदिता रोते हुए कहती है, रुक जाओ यक्षिणी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, मुझे अपना शिकार मत बनाओ, मैं युग जी पर अब कभी अपने डोरे नहीं डालूंगी, उनसे दूर ही रहूंगी, छोड़ दो मुझे। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसका पैजामा अपने आप नीचे हो जाता है, उसकी नग्न टांगे दिखने लग जाती हैं, जो किसी पगडंडी की तरह हिले जा रही थी। अमोदिता को एहसास होने लग जाता है कि कोई उसकी कुर्ती को ऊपर उठा रहा है, उस कुर्ती को उसके बदन से निकालने की कोशिश कर रहा है। अमोदिता अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस अदृश्य शक्ति को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। अमोदिता रोते हुए कहती है, यक्षिणी ये सब गलत है, मैं भी एक स्त्री हूँ और तुम भी, एक स्त्री होकर तुम दूसरे स्त्री के साथ ये सब कैसे कर सकती हो, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं वादा करती हूँ कि युग जी से दूर रहूंगी, उनके पास कभी नहीं भटकूंगी। अमोदिता ने अपने दोनों हाथों से अपनी कुर्ती को कसकर पकड़कर रखा हुआ था, तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उस अदृश्य शक्ति ने उसकी कुर्ती को छोड़ दिया हो। अमोदिता अपनी सलवार को वहीं पर फर्श पर पड़ा रहने देती है और वहां से भागने लग जाती है। उस वक्त अमोदिता को ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर जाना ही ठीक लगता है, वो वहां से भागने लग जाती है। अमोदिता भागते भागते अभी सीढ़ियों तक पहुंची थी कि तभी सीढ़ियां उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गुलाटी खाते हुए सीढ़ियों से गिरने लग जाती है। फर्श पर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। 2 घंटे बाद अमोदिता बेहोश पड़ी हुई थी। जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने युग का चेहरा था, जो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था।
अमोदिता लेटे लेटे ही अपने आसपास नजरें घुमाने लगती है और देखती है कि इस वक्त वो युग के कमरे में उसके बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। अमोदिता होश में आते हुए कहती है, युग जी आप? युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, तुम ठीक तो हो ना अमोदिता? अमोदिता कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसे याद आता है कि यक्षिणी ने उसकी सलवार उतार दी थी। वो झट से अपनी नजरें अपने पैरों की तरफ घुमाती है और देखती है कि उसने सलवार पहनी हुई थी। उसके लेफ्ट पैर में मोच आई थी जिस पर युग ने कॉटन की क्रेप बैंडेज लपेट दी थी, जिस कारण उसका लेफ्ट पैर पूरी तरह से कवर हो गया था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, मेरी सलवार तो यक्षिणी ने उतार दी थी, फिर ये मेरे बदन पर कैसे? युग अमोदिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि वो क्या सोच रही थी। युग अमोदिता से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, वो अमोदिता तुम्हें सलवार मैंने पहनाई है, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने कुछ देखा नहीं सलवार पहनाते हुए, मैंने अपनी नजरें फेर ली थी कसम से, पापा की कसम। अमोदिता धीरे से बड़बड़ाती है, मरे हुए लोगों की कसम कौन खाता है युग जी, खाना है तो अपनी माँ की कसम खाइए ना, ऐसे कैसे विश्वास कर लूं मैं आपका, आपने कुछ तो देखा होगा, आखिर आप भी एक मर्द ही तो हैं। युग अमोदिता की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने मन में चल रहे सवाल उससे पूछने लग जाता है, अमोदिता तुम सीढ़ियों से गिर कैसे गई और तुमने अपनी सलवार क्यों उतार दी थी मेरे कमरे के बाहर? वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी चीखने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई थी और सही टाइम पर मैं आ गया, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं युग जी को कैसे बताऊं कि ये सब यक्षिणी ने मेरे साथ किया, अगर ये बता दूं तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि यक्षिणी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया था। अमोदिता युग के सवाल का जब कुछ जवाब नहीं देती तो युग फिर उससे उस पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अमोदिता मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर ये सब क्या था, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अमोदिता बात को दबाते हुए कहती है, युग जी इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस ये समझिए कि ये लड़कियों वाली प्रॉब्लम है जो आपको बताने ठीक नहीं है। अमोदिता बात को बदलते हुए कहती है, ये सब छोड़िए तो फिर हम वो करें। अमोदिता के मन में यक्षिणी के लिए डर तो था, पर युग को अकेले में देखकर उसके अंदर की वासना जग गई थी। एक पल के लिए वो यक्षिणी को भूल गई थी और वो युग के साथ संभोग करना चाहती थी। युग को अमोदिता की बात समझ नहीं आती, इसलिए वो मुंह बनाते हुए कहता है, वो करें मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे वही जो उस दिन आप मेरे घर में करने आए थे, हम दोनों झोपड़ी के अंदर करने वाले थे कि तभी वहां पर पापा और बल्लू काका आ गए थे, याद आया कुछ आपको? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, क्या करने वाले थे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा इस बारे में। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी को क्या हो गया, कहीं उस यक्षिणी ने युग जी पर किया गया मेरा टोना भी तो नहीं तोड़ दिया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भला एक सौदाइन का टोना तोड़ने की किसमें हिम्मत है, पर फिर युग जी को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अमोदिता युग को फिर बीती यादें याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे युग जी याद कीजिए ना, कल दिन भर आपने और मैंने बात की थी और फिर आप शाम को मुझसे मिलने के लिए हवेली भी तो आने वाले थे, पर फिर आप आए क्यों नहीं? अभी मनु बता रहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए निकले तो थे, पर रोंकामुचा घाट पर ही सारी रात रुक गए थे, आखिर आप वहां पर क्या कर रहे थे? युग रात की बात याद करते हुए कहता है, मैं तुमसे कहां मिलने आने वाला था, मैं तो मछली लेने गया था और वहीं पर मुझे यामिनी। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, अरे अमोदिता ये तुम्हें क्या हो गया? जब युग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि दरवाजे की दहलीज पर अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जो अमोदिता को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो गया था। अभिमन्यु अपने कदम अमोदिता के पास बढ़ाते हुए कहता है, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी अमोदिता, आखिर ये सब हुआ कैसे? अमोदिता बहाने बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं अभिमन्यु, मेरा बस पैर फिसल गया था सीढ़ियों पर, ये तो मोच आ गई। अभिमन्यु सहानुभूति देते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। युग अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु तू कहाँ चले गया था मुझे बिना बताए? अभिमन्यु जवाब देता है, अरे काम से गया था रोंकामुचा गांव, तू सो रहा था इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। युग झट से पूछता है, किस काम से? अमोदिता भी अभिमन्यु का जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिर अभिमन्यु रोंकामुचा गांव क्यों गया था। सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अमोदिता भी अभिमन्यु का जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिर अभिमन्यु रोंकामुचा गांव क्यों गया था। अभिमन्यु अमोदिता की तरफ देखते हुए बात को दबाते हुए कहता है, अरे बताता हूँ ना बाद में, युग इतनी भी जल्दी क्या है? युग अभिमन्यु का चेहरा देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ ऐसी बात थी जो अभिमन्यु अमोदिता के सामने नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो भी अभिमन्यु को फोर्स नहीं करता है और बात को बदलने के लिए अगला सवाल उस पर दाग देता है। चल ठीक है, पर ये तो बता दे कायर और कछुआ कहाँ चले गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे जब से उठा हूँ। अभिमन्यु जवाब देता है, अरे वो कल बांग्ला त्योहार है ना, तो रात में डांस भी होना है, तो उसी के लिए कपड़े लेने गए हैं, उसका भी एक अलग से ड्रेस कोड होता है ना डांस करने के लिए।
अभिमन्यु और युग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अमोदिता की नजर कमरे के अंदर लगी घड़ी पर पड़ती है और वो बौखलाहट के साथ बोल पड़ती है, अरे 6 बज गए, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा युग जी, अब मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे अमोदिता तुम ऐसे कैसे जाओगी, मेरी बात मानो तो तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, मामी जी से मैं बात कर लूंगा। अमोदिता का मन तो चाह रहा था कि वो रात में वहीं पर रुक जाए और रात में ही युग के साथ वो सब कर ले, पर तभी उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है और वो समझ जाती है रात में ग्रेवयार्ड कोठी में रुकना खतरे से खाली नहीं है, कहीं रात में यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया तो। इसी डर से अमोदिता युग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं युग जी, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मेरे पैर में ज्यादा चोट नहीं आई है, हल्की सी मोच है बस, मैं चल सकती हूँ। युग को लगता है कि अमोदिता लड़कों के बीच में रहने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, इसलिए वो अमोदिता की बात से सहमत होते हुए कहता है, ठीक है तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अमोदिता फिर युग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं युग जी, मैं खुद चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ करते हैं। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है कि अमोदिता को क्या हो गया अचानक से, वैसे तो ये युग के साथ वक्त बिताने के लिए मरी जाती है और अब देखो एकदम से कैसे बदल गई, आखिर बात क्या है। अभिमन्यु झट से अमोदिता से कहता है, अगर युग नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें अमोदिता, तुम ऐसे कैसे नदी पार करोगी अकेले, कोई ना कोई सहारा देने वाला होना चाहिए ना। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अगर ये अभिमन्यु मेरे साथ चला तो ये अपनी चालाकी भरे सवालों से मेरे मुंह से सारी बात उगला लेगा कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ था, इसलिए अकेले जाना ही ठीक रहेगा। अमोदिता पहले गुस्से से फिर शांत होते हुए कहती है, मैं अकेले चली जाऊंगी अभिमन्यु, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु और युग कुछ बोल पाते उससे पहले ही अमोदिता बिस्तर पर से आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग जाती है। अमोदिता को बिस्तर पर से उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, पर जैसे तैसे वो उतर जाती है। अमोदिता वहां से लंगड़ाते लंगड़ाते जाने लग जाती है। युग एक बार फिर अमोदिता को रोकते हुए कहता है, तुम अकेले चली तो जाओगी ना अमोदिता। अमोदिता बिना रुके अपने कदम दरवाजे की दहलीज के बाहर बढ़ाते हुए कहती है, हाँ युग जी मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए मेरी। इतना कहकर अमोदिता दरवाजे की दहलीज को पार कर लेती है और वहां से चली जाती है। अमोदिता के जाते ही युग अभिमन्यु से पूछता है, अब बताएगा कि क्यों गया था तू रोंग का मुचा गांव। अभिमन्यु फटाक से जवाब देता है, हाँ बताता हूँ, देख तुझे पता है ना कि बिंदु ने हमें बताया था कि जो सौदाइन होती है उनके पैर के अंगूठे का नाखून नहीं होता है। युग अभिमन्यु की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ बताया था तो उसने ये भी बताया था कि आसपास के गांव की सारी औरतें वांगला त्योहार में आएंगी, तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन सी औरत सौदाइन है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या आइडिया है तेरे पास। अभिमन्यु युग को अपना आइडिया बताते हुए कहता है, तो सुन आइडिया कुछ इस प्रकार है कि। अभिमन्यु युग को पूरी बात बता देता है कि उसके पास सौदाइन के बारे में पता करने का क्या आइडिया है। सब कुछ सुनने के बाद युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा। अभिमन्यु युग को भरोसा दिलाते हुए कहता है, अरे 100% काम करेगा, तू जानता नहीं ये गांव की औरतों को, इन्हें फ्री की चीजें कितनी पसंद होती है, बस एक बार ये कायर और कछुआ भी आ जाए तो उन्हें भी प्लान समझा दूंगा, फिर तू देखना कल कैसे वांगला त्योहार में सौदाइन का पता चलता है। इस तरफ हवेली के अंदर रजनी अपने कमरे में तंत्र मंत्र यंत्र की किताब पढ़ रही थी। रजनी की एक नजर किताब पर थी तो दूसरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर। वो बार बार किताब पढ़ते जा रही थी और घड़ी की तरफ देखते जा रही थी। रजनी किताब के पन्ने पलटाते हुए कहती है, ये नालायक अमोदिता अभी तक आई क्यों नहीं, लगता है अभी तक युग का मन नहीं भरा होगा अमोदिता से, वो मेरी अमोदिता को छोड़ ही नहीं रहा होगा। चलो अच्छा है, बस एक बार ये युग की मेरी अमोदिता से शादी हो जाए फिर देखना कैसे ये घर हथियाती हूं मैं, उस युग को तो पता भी नहीं है कि उसके पास कितनी दौलत है। इतना कहकर रजनी वापस से किताब पढ़ने लग जाती है, पर उसका मन बेचैन हो रहा था ये बात जानने के लिए कि अमोदिता अपने मकसद में कामयाब हुई होगी या फिर नहीं। रजनी खुद से बड़बड़ाती है, ये अमोदिता भी ना पूरी नालायक ही है, अगर इसे इतनी देर होनी ही थी तो एक फोन करके बता तो देती कम से कम, मैं उसकी इतनी फिक्र तो नहीं करती, पता नहीं ये युग के साथ कुछ कर भी पाई होगी या नहीं, या हमेशा की तरह बस शर्माती रह गई होगी, कुछ भी करके इसके अंदर की शर्म निकालनी पड़ेगी मुझे, वरना ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। रजनी अमोदिता के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अमोदिता की कराहते हुए आवाज सुनाई देती है, माँ माँ। जब रजनी पीछे मुड़ती है तो अमोदिता की हालत देखकर दंग रह जाती है। अमोदिता लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसके पैर पर क्रेप बैंडेज बंधी हुई थी। रजनी अमोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, ये तुझे क्या हो गया अमोदिता, ये पैर में गर्म पट्टी क्यों बांध कर रखी है, तूने और युग ने मिलकर कुछ ज्यादा ही कर लिया क्या जो इतना लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। अमोदिता उखड़े हुए लहजे में कहती है, माँ तुम्हें मेरी हालत देखकर लग रहा है क्या कि मेरे और युग जी के बीच में कुछ हो पाया होगा। रजनी हैरानी के साथ कहती है, अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई, वहाँ पर क्या गप्पे मार रही थी जो आने में देर हो गई, या फिर घर पर आकर काम करना पड़ेगा इसलिए ये पैरों में पट्टी बांध कर आई है जानबूझकर। अमोदिता अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो माँ, तुम्हें मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी जान बचाकर आई हूँ और तुम हो कि कुछ भी बोले जा रही हो। रजनी हैरानी के साथ कहती है, जान बचाकर आई है मतलब। अमोदिता रजनी को सारी घटनाएं बता देती है जो भी उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी जाने के वक्त और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घटी थी। सब कुछ सुनने के बाद रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है,
मतलब तेरा ये कहना है कि पहले उस यक्षिणी ने तुझ पर काला झाड़ी जंगल में हमला किया और फिर ग्रेवयार्ड कोठी में। अमुदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ और नहीं तो क्या। रजनी अमुदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, तू पागल हो रही है क्या, कहीं भांग भांग खाकर तो नहीं आ गई तू, ये कैसे हो सकता है। अमुदिता रजनी को अपनी बात पर विश्वास दिलाते हुए कहती है, माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो यक्षिणी मेरे साथ क्या कर रही थी, मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। उसने मेरी सलवार उतार दी थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसके चंगुल से छूट गई, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। वो यक्षिणी मर्दों को तो अपनी हवस का शिकार बनाती ही है, साथ में औरतों को बनाना भी शुरू कर दिया। पता नहीं उसके अंदर ये कैसी हवस भरी हुई है जो मिटती नहीं। रजनी को अभी भी अमुदिता की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि यक्षिणी अमुदिता के साथ ऐसा कुछ कर सकती थी। रजनी अमुदिता की सारी बातों को नकारते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है अमुदिता, तू ही बता। यक्षिणी को तो खुद तेरे पापा और फूफा जी ने कैद किया था, फिर वो तेरे साथ ये सब कैसे कर सकती है। जरूर तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, अमुदिता अपनी बातों पर जोर देते हुए कहती है। माँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है, समझी, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। अमुदिता कुछ सोचते हुए कहती है, माँ ये भी तो हो सकता है उस यक्षिणी को किसी ने आजाद कर दिया हो। अब रजनी को अमुदिता की बातों पर विश्वास होने लग गया था, वो अमुदिता की बातों को गौर से सुनने लग जाती है। अमुदिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ वो यक्षिणी तो आजाद हुई ही, साथ में युग जी पर जो हमने मिलकर टोना किया था ना, वो भी टूट गया। रजनी चीखते हुए कहती है, क्या। हाँ माँ, मैंने युग जी को इतने इशारे किए पर वो कुछ समझे ही नहीं, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है कि इन 2-3 दिनों में उन्होंने मेरे साथ क्या क्या बातें की और क्या क्या करने की कोशिश करी थी। एक और बात, कल युग जी मुझसे मिलने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी से निकले तो थे पर आए नहीं, सारी रात रोंकामुचा घाट में थे वो, पता नहीं वहां पर वो क्या कर रहे थे। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर युग तुझसे मिलने के लिए निकला था तो यहां पर आया क्यों नहीं, आखिर ये सब क्या चक्कर है। वही तो माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जो चीज हम हासिल करने वाले थे वो हमारी मुट्ठी से फिसलती जा रही है। अमुदिता तू शायद भूल रही है, हम सौदाइन है और सौदाइन इतनी आसानी से अपने हाथों से कोई चीज छूटने नहीं देती। अमुदिता समझ जाती है कि रजनी के दिमाग में कुछ न कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही थी। अमुदिता से रहा नहीं जाता और वो रजनी से पूछ ही लेती है, माँ अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। रजनी जवाब देने की जगह अमुदिता से ही सवाल पूछ लेती है, कल क्या है अमुदिता। अमुदिता सोचते हुए कहती है, कल तो बांग्ला त्योहार है। रजनी गुस्से से कहती है, वो तो मुझे भी पता है कल बांग्ला त्योहार है, पर कुछ और भी है, सोच जरा। अमुदिता अपने दिमाग पर तोड़ देते हुए कहती है, कल क्या है माँ, कहीं तुम्हारे और पापा की शादी की सालगिरह तो नहीं है। रजनी अमुदिता पर दहाड़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, तुझे शादी के अलावा कभी कुछ और सोचता नहीं क्या, जब देखो तब शादी की रट लगाती रहती है। अमुदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ तुम ही बता दो ना कल क्या है, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो। रजनी जवाब देती है, कल अष्टमी है और कल रात हम वो करने वाले हैं जो मैं करना नहीं चाहती थी, पर लगता है वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। अमुदिता लंबी आह भरते हुए कहती है, माँ तुम क्या करने का सोच रही हो। रजनी अमुदिता की बात पर ध्यान नहीं देती और खुद से बड़बड़ाती है, उससे ही सारे सवालों के जवाब मांगने पड़ेंगे, उससे बुलाना ही पड़ेगा। अमुदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ ये तुम क्या बकबक कर रही हो, किसे बुलाने की बात कर रही हो। रजनी जवाब देती है, कर्ण पिशाचिनी को। अमुदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, माँ कहीं तुम कर्ण पिशाचिनी साधना की बात तो नहीं कर रही हो जिसके बारे में तुमने मुझे उस दिन बताया था। हाँ मैं उसी साधना की बात कर रही हूँ, कल रात हम कर्ण पिशाचिनी साधना करेंगे, पर माँ तुम तो कह रही थी कि ये बाद में करेंगे, इसे करना बड़ा मुश्किल है और इसे तो अमावस्या या पूर्णिमा को किया जाता है ना। हाँ पर लगता है कल ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, हमें कल ही जानना पड़ेगा कि आखिर यक्षिणी आजाद हुई है या नहीं, और ये भी कि युग का वशीकरण किसने तोड़ा है, कौन है जो युग और तेरे बीच में आने की कोशिश कर रहा है। कर्ण पिशाचिनी के पास सारे सवालों का जवाब रहता है, वो हमें सब कुछ बता देगी। अमुदिता हैरानी के साथ कहती है, माँ उसे सच में सब पता होता है। हाँ पागल सब कुछ, कल रात तैयार रहना। एक और चीज, तू एक सौदाइन है और सौदाइन को ये अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या सब तारीखें याद होनी चाहिए, इसका उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है, यही वो दिन होते हैं जब हम जादू टोना करके सिद्धियां हासिल करती हैं, समझी। हाँ समझ गई माँ, आगे से याद रखूंगी ये सब तारीखें। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में रात के 8 बज गए थे। कायर और कछुआ वांगला त्योहार के लिए डांस में पहनने के लिए सबके कपड़े लेकर आ गए थे। युग और अभिमन्यु वो कपड़े देख रहे थे। कछुआ अभिमन्यु को उसके कपड़े दिखाते हुए कहता है, ये देख अभिमन्यु ये तेरे लिए है, कैसे लगे तुझे। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, कैसे लगे क्या पूछ रहा है, सभी एक जैसे ही तो है। युग लुंगी उठाते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये पहनना पड़ेगा क्या। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, ये पारंपरिक पोशाक है, यही पहना जाता है उस दिन और सबको पहनना पड़ता है ताकि सब एक जैसे दिखे। युग अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, यार मैं अपने नॉर्मल कपड़े पैंट शर्ट ही पहन लेता हूँ ना, मैं थोड़ी गांव का आदमी हूँ जो मुझे ये पहनना कंपलसरी है। अभिमन्यु फटाक से बोलता है, अरे ये कैसी बातें कर रहे तू, तेरा तो इस गांव से बहुत पुराना संबंध है, भूल मत
तू इसी गांव का है और 13 साल बाद आया है, तो देख भी लेना बांग्ला त्योहार कैसे मनाया जाता है। कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, सही कहा अभिमन्यु ने, तुझे ये पारंपरिक पोशाक पहननी भी पड़ेगी और साथ में डांस भी करना पड़ेगा। युग मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, डांस करना पड़ेगा? कछुआ बीच में बोल पड़ता है, हाँ युग, वो भी कपल डांस। दिन में बांग्ला त्योहार मनाया जाएगा और रात में डांस होंगे, जिसमें लड़के और लड़कियां आपस में मिलकर डांस करते हैं। ये कायर तो बिंदु के साथ कपल डांस की प्रैक्टिस भी करके आ गया, तभी तो हमें आने में देर हो गई, वरना हम तो कपड़े लेकर कब के आ गए थे। बस मुझे ही कपल नहीं मिला तो सोचा अपनी वर्चू से पूछूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई, और कोई लड़की मेरे साथ डांस भी नहीं करना चाहती। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मतलब कल तू भी मेरे साथ रहेगा। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यार यहाँ पर मुझे कोई लड़की नहीं मिली और तू खुश हो रहा है, और तू भी मेरे साथ रहेगा का मतलब? अभिमन्यु कछुए को समझाता है, मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि कल वांगला त्योहार में जो मेला लगेगा उसमें हमें बहुत जरूरी काम करना है। कछुआ झट से बोल पड़ता है, कैसा जरूरी काम? अभिमन्यु जवाब देता है, कल हम मेले में सौदाइन का पता लगाएंगे। कछुआ बौखलाहट के साथ पूछता है, सौदाइन का पता लगाएंगे पर कैसे? इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ घबराते हुए पूछता है, सौदाइन का पता लगाएंगे पर कैसे? अभिमन्यु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, देख कल गांव में मेला लगने वाला है ना, तो उस मेले के अंदर अपन दोनों। अभिमन्यु कछुआ और कायर को बता देता है कि उसने क्या प्लान बनाया था। पूरा प्लान सुनने के बाद कछुआ अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या, मैं ये सब नहीं करने वाला, मुझे ये करना नहीं आता। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, अरे आसान है यार, मैं सिखा दूंगा, और तू झूठ क्यों बोल रहा है, मुझे अच्छे से पता है कि तुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है, बचपन में तू यही किया करता था। कछुआ अपनी सफाई देते हुए कहता है, वो बचपन की बात थी यार, पर अब मैं वो भूल गया हूँ। कछुआ अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, तुम लोग फिर सौदाइन के पीछे पड़ गए, मैंने कहा ना सौदाइनों को कुछ नहीं पता होता, तुम बेवजह अपना वक्त गंवा रहे हो। अभिमन्यु कछुए पर शक करते हुए पूछता है, तुझे कैसे पता कि सौदाइनों को कुछ पता नहीं होता है, तू क्या उन्हें जानता है? कछुआ अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता, बस अपनी नजरें यहाँ से वहाँ घुमाने लग जाता है। अभिमन्यु अभी भी कछुए पर शक करते हुए उससे बोलता है, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे हम सौदाइन के पीछे नहीं तेरे पीछे पड़े हुए हैं। कायर समझ जाता है कि मामला गर्म होने वाला है, इस टॉपिक को लेकर पहले भी कछुए की सबसे बहस हो चुकी है, इसलिए वो बात को बदलते हुए कहता है, यार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, फिर शुरू हो गए, और कछुए कैसे कर रहा है तू? दे देना अभिमन्यु का साथ, कर देना उसकी मदद जो वो बोल रहा है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, कल बिंदु के साथ डांस भी तो करना है। वैसे युग तू किसके साथ डांस करने वाला है कल? युग जवाब देता है, मैं किसके साथ डांस करूंगा, मेरे पास भी तो कोई नहीं है, लगता है मुझे कल अभिमन्यु और कछुए के साथ ही रहना पड़ेगा, सौदाइन को ढूंढने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। कायर कपड़ों को पॉलीथीन में भरते हुए कहता है, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे पास तो दो दो ऑप्शन है डांस करने के लिए, पहला मुदिता और दूसरी वो तेरी यामिनी, उन दोनों में से किसी एक के साथ कर लेना। युग कहता है, अरे अमोदिता के पैर में मोच आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ डांस कर पाएगी। कायर फिर बोल पड़ता है, तो क्या हुआ, यामिनी का ऑप्शन भी तो है ना तेरे पास, उसी बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है उसकी, जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है यामिनी जिसकी तारीफ करते तू थकता नहीं है। युग यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है, मैंने कहाँ करी उसकी कभी तारीफ। कछुआ युग की टांग खींचते हुए कहता है, बार बार उसका नाम लेना, उसकी तारीफ करना नहीं हुआ तो क्या हुआ, तू फोन लगा ना यार उसे और बोल दे कल आ जाना डांस करने। युग कछुए को मना करते हुए कहता है, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। कछुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा, नंबर नहीं है, तूने उसका नंबर नहीं लिया क्या? नहीं यार कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कछुआ युग को ताने मारते हुए कहता है, तू भी ना युग एक नंबर का पागल है, इतने दिनों से यामिनी से मिल रहा है पर तूने अभी तक उसका नंबर नहीं लिया। मैं तो किसी लड़की से मिलता हूँ ना तो पहली मुलाकात में ही उसका नंबर ले लेता हूँ और दूसरी मुलाकात में उसे गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। कायर कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कम फेंक बेटा, इतने की मैं लपेट पाऊँ, तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है तू? कछुआ बड़बड़ाता है, मैं कहाँ फेंक रहा हूँ। कायर कछुए की बात पर ध्यान नहीं देता और युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो युग ये कछुआ बात ठीक कह रहा है, तू यामिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, वैसे मैंने यामिनी को देखा तो नहीं पर तुम दोनों के नाम का पहला अक्षर एक ही है, इससे पता चलता है कि तुम दोनों के बीच में गहरा प्यार होगा। कछुआ कायर की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग ये कायर सही बोल रहा है।
तो यामिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, मस्त रहेगा। युग गुस्से के साथ बोलता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे? जब देखो बकवास करते रहते हो, ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड प्यार व्यार सब बकवास है, बस टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं, समझे तुम दोनों? इतना कहकर युग गुस्से से वहां से उठता है और अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। कायर युग को जाते हुए देखते हुए कहता है, ये युग को क्या हो गया अचानक से? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, एकदम से इतना गुस्सा क्यों आ गया इसे? कछुआ भी बोल पड़ता है, हाँ यार, मैंने आज तक युग को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। अभिमन्यु अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अब उसकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखोगे तो वो तो गुस्सा करेगा ही ना, तुम दोनों की आरती थोड़ी उतारेगा। कायर अभिमन्यु से पूछता है, हमने कब उसकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दिया? अभिमन्यु जवाब देता है, तुम्हें शालिनी के बारे में पता है ना? कायर कुछ याद करते हुए कहता है, अरे वही ना जिसके बारे में युग ने एक बार बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर वो तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, तो वो उस बात पर इतना क्यों चिढ़ रहा है? क्योंकि शालिनी युग की एक्स गर्लफ्रेंड जरूर थी, पर अपना युग बहुत सीधा है, वो आज भी शालिनी से प्यार करता है, उसे आज तक नहीं भुला पाया है, आज भी उसकी फोटो अपने पर्स में लेकर घूमता है, पता नहीं क्यों, ये जानते हुए भी कि शालिनी उसे छोड़कर चली गई है, अब वो उसे नहीं मिलने वाली। कायर उदासी के साथ पूछता है, पर शालिनी ने युग को छोड़ा क्यों था? पता नहीं, युग ने कभी बताया नहीं, मैंने एक दो बार उससे पूछने की कोशिश की थी, पर जब उसने बात को टाल दिया तो फिर मैंने दोबारा उससे नहीं पूछा, क्योंकि पुराने जख्मों को जितना खरोंचा जाता है वो उतना ही दर्द देते हैं। कछुआ भी उदासी के साथ कहता है, मतलब युग अब किसी से प्यार नहीं करेगा, वो जिंदगी भर अकेला रहेगा, उसे उसका पहला प्यार नहीं मिला तो? कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कछुए कि यदि आपको आपका पहला प्यार नहीं मिले तो जिंदगी भर आप अकेले रहो। माना पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता है, पर जब आपको कोई दूसरा प्यार करने वाला मिल जाए जो आपको पहले प्यार करने वाले से भी ज्यादा प्यार करे, तब पहला प्यार अपने आप भुलाया जा सकता है। अभिमन्यु कायर कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, युग को उसका दूसरा प्यार मिलता है या नहीं वो बाद में देख लेंगे, पहले कल जो होने वाला है वो देख लें, और कल का सूरज देखने के लिए सबसे पहले सोना पड़ेगा। भूलो मत, कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, कल बांग्ला त्योहार भी है, साथ में हम सौदाइन का पता भी लगाने वाले हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर कछुआ अपनी मुट्ठी भींचने लग जाता है। कायर युग के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, हाँ तू ठीक कह रहा है, कल तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, आखिर कल मैं अपनी बिंदु के साथ डांस जो करूंगा उसके लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। कायर के पीछे पीछे ही अभिमन्यु और कछुआ भी युग के रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। अभिमन्यु, कछुआ और कायर गहरी नींद में सो चुके थे, पर युग अभी तक जाग रहा था। वो अपने कमरे में टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था और वहां पर फैले कागजों पर स्टार्टअप के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा था, पर लिख नहीं पा रहा था। लिखता भी कैसे, उसका मन बेचैन जो था। लिखने के लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। कछुए ने जब से गर्लफ्रेंड की बात छेड़ी थी तब से ही युग को शालिनी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्लफ्रेंड शब्द बोलकर कछुए ने शालिनी के साथ ही उसकी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया था। युग को रह रहकर शालिनी की याद आ रही थी। अक्सर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम हमारी अतीत की सारी बुरी यादों को भुला बैठे होते हैं, उसी वक्त कहीं से एक मोड़ आता है, कोई सी ऐसी घटना घटती है जो आपके अतीत की सारी बुरी यादों के पन्नों को आपके सामने खोल कर रख देती है। आज युग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डांस के बारे में सोचकर उसे याद आया था कि उसने आखिरी बार डांस शालिनी के साथ किया था, तब से ही उसने किसी के साथ भी डांस नहीं किया था, वो उसका आखिरी डांस था। आज युग को उसका कमरा काटने को दौड़ रहा था, उसके शरीर में एक चुभन सी हो रही थी, वो एकांत चाहता था, एक ऐसी जगह जहां पर वो अपनी तन्हाइयों के साथ रो सके, जहां पर कोई उसे देखे ना। वही एकांत ढूंढने के लिए युग बिना किसी को कुछ बताए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि बाहर अंधेरे में उसकी जान को खतरा हो सकता है। पैदल चलते चलते युग बंगलामुड़ा घाट तक पहुंच जाता है। बंगलामुड़ा घाट पर युग को वो एकांत नजर आता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। वहां पर किश्नोई नदी शांति के साथ बह रही थी, जिसके साथ युग अपने सारे गम बहाना चाहता था। युग घाट की रेत पर ही बैठ जाता है और बहती हुई किश्नोई नदी को देखने लग जाता है। शालिनी के बारे में सोच सोच कर उसकी आंखें नम हो गई थी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम किसी को दिल से भुलाना चाहते हैं पर भुला नहीं पाते, क्योंकि हमें पता होता है हमारे दिल में उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। युग के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो ना ही शालिनी का हो सकता, ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकता था। युग किश्नोई नदी को देखकर अतीत की यादों को याद कर ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दू मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दू। ये आवाज सुनकर युग का दिल दहक जाता है। अगले पल उसके मन से शालिनी का ख्याल चला जाता है। वो घबराते हुए खुद से कहता है, फिर वही आवाज, ये तो वही आवाज है जो बार बार मुझे सुनाई देती है, आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसकी आवाज है। युग गौर से उस आवाज को सुनने लग जाता है जो कि उसके पीछे से आ रही थी। जब युग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़की अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी।
अंधेरा होने के कारण युग उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो लड़की अपने कदम युग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब, बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के करार में। युग हकलाते हुए कहता है, ये यक्षिणी। वो लड़की जैसे जैसे अपने कदम युग के करीब बढ़ाते जा रही थी, युग के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। युग का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। युग की सांसें थम सी गई थी। वो इतना डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। दो मिनट के अंदर ही उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। जब वो लड़की युग के पास पहुंचती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, यामिनी तुम? यामिनी हमेशा की तरह हंसते हुए कहती है, हाँ मैं युग बाबू, आपको क्या लगा यक्षिणी होगी? वो अभी नहीं आएगी, पर जल्द आने वाली है अपना शिकार लेने। युग यामिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसके मन में चल रहे सवाल उससे पूछने लग जाता है, अभी थोड़ी देर पहले गाना तुम गा रही थी? यामिनी अनजान बनते हुए पूछती है, कौन सा गाना युग बाबू? युग फटाक से बोलता है, तन बदन में आग लगा दूं, ऐसा ही था कुछ समथिंग। नहीं युग बाबू, मैं तो ये गाना नहीं गा रही थी। पर आप अच्छा गा रहे हैं, गाइए ना। युग गुस्से से बोलता है, झूठ मत बोलो यामिनी, मैंने अच्छे से सुना था, जिस तरफ से तुम आ रही थी गाने की आवाज उसी ओर से आ रही थी। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बोलो यामिनी वो गाना तुम ही गा रही थी ना? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ युग बाबू वो गाना मैं ही गा रही थी। एक और बात बताऊं आपको, ये गाना यक्षिणी गाया करती थी जब वो किसी मर्द को अपना शिकार बनाया करती थी। यामिनी की बात सुनकर युग के होश उड़ जाते हैं। युग बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए कहता है, क्या तुम यक्षिणी हो? यामिनी युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बस युग को घूरती रहती है। युग हक्का बक्का रह गया था, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यामिनी गंभीर स्वर में कहती है, हाँ युग बाबू मैं ही यक्षिणी हूँ और मैं आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ। युग यामिनी की बातें सुनकर दंग रह गया था, उसका चेहरा डर के कारण सफेद पड़ गया था। युग का चेहरा देखकर यामिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है, उसकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। युग समझ जाता है कि यामिनी उसके साथ मजाक कर रही थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, क्या युग बाबू आपको क्या मैं यक्षिणी दिखती हूँ? अगर मैं यक्षिणी होती तो अब तक आपके साथ संभोग भी कर चुकी होती, आपका दिल भी निकाल चुकी होती, साथ में खून भी पी चुकी होती। अभी आप मेरे साथ नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में होते। युग यामिनी से दो कदम पीछे हटते हुए कहता है, पर यक्षिणी तो सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को शिकार करती है ना, कहीं तुम उसी का इंतजार तो नहीं कर रही? यामिनी फिर युग के पास जाते हुए कहती है, क्या युग बाबू आप भी ना कुछ भी सोचते हैं, मैंने आपको डराया क्या? आप तो कुछ ज्यादा ही डर गए लगता है। पर एक बात बताओ, यक्षिणी अमावस्या और पूर्णिमा को शिकार करती जरूर थी पर अब नहीं। अब नहीं का मतलब? यामिनी बात को दबाते हुए कहती है, उसका मतलब आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मतलब अभी तक जो भी कुछ तुमने बोला वो सब बातें सिर्फ एक मजाक थी है ना? सब बातें नहीं युग बाबू, अक्सर जो बातें हम मजाक में कहते हैं उनमें से कुछ बातें सच होती हैं जो हमें मजाक के साथ ही कहनी पड़ती है, वरना अगर सीरियस होकर कह दी तो सामने वाले को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। युग कहता है, तो फिर तुमने जो बातें कही उनमें से कौन सी बात सच थी? यामिनी जवाब देती है, यही कि यक्षिणी शिकार करते वक्त यही गाना गाया करती थी, ये 100% सच बात है। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता ये बात? ये बात मेरे बाबा ने बताई थी। तुम्हारे बाबा बहुत कुछ जानते हैं यक्षिणी के बारे में, आखिर कैसे? क्या तुम मुझे अपने बाबा से मिला सकती हो? मुझे यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ पूछना है उनसे। यामिनी झट से जवाब देती है, नहीं युग। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम मुझे अपने बाबा से क्यों नहीं मिला सकती? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम मुझे अपने बाबा से क्यों नहीं मिला सकती? यामिनी डरते हुए कहती है, क्योंकि यदि उन्हें पता चला कि मैं आपसे मिलती हूँ तो। इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। यामिनी के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। पहली बार युग यामिनी को किसी चीज से डरते हुए देख रहा था, वरना यामिनी वो लड़की थी जो अपनी अदाओं और बातों से अच्छे अच्छों को डरा देती थी। युग यामिनी के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, बोलो यामिनी तुम चुप क्यों हो गई? यदि तुम्हारे बाबा को पता चला तो क्या? यामिनी युग का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहती है, यदि मेरे बाबा को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे भी नहीं पता आखिर वो मेरा क्या हश्र करेंगे।
शायद उसके बाद आप कभी मुझसे मिल नहीं पाएंगे। पर ऐसा क्यों यामिनी? क्योंकि युग बाबू मेरे बाबा ने मर्दों से दोस्ती और उनसे मिलने के लिए मना किया। मर्दों से मिलने के लिए मना किया है? ये बात कुछ समझ नहीं आई। युग बाबू मेरे बाबा कहते हैं मर्द इस दुनिया की वो शख्सियत है जिनकी हवस कभी भी जाग जाती है और अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? युग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, यामिनी तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा? यामिनी नर्म लहजे के साथ जवाब देती है, लगता नहीं है तभी तो मैं आपसे मिल रही हूँ अपने बाबा को बिना बताए। अब आपने ये सब छोड़िए और ये बताइए यहाँ पर सुनसान इलाके में क्या कर रहे थे, वो भी अकेले? आपको भी मेरी तरह अंधेरे में घूमने की आदत हो गई है क्या? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। वो यामिनी को नहीं बताना चाहता था कि उसका मूड ऑफ था शालिनी की वजह से। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी ही बोल पड़ती है, युग बाबू आपको वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आ रही थी ना, यहाँ पर नदी के पास बैठकर आप उसको ही याद कर रहे थे ना? युग यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता यामिनी? यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू आपके दिल की बातें मुझे नहीं पता होंगी तो किसे होंगी? आप आज भी उससे बहुत प्यार करते हैं ना, ये जानते हुए भी कि वो किसी और से प्यार करती है। युग यामिनी की बातें सुनकर दंग रह जाता है और शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता यामिनी? तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो शालिनी और मेरे बारे में? अरे युग बाबू आपने ही तो बताया था। मैंने बताया था पर कब? कल युग बाबू जब आप रोंकमुचा घाट पर आए थे, भूल गए? आप और मैं झोपड़ी के अंदर थे, बाहर जोरों से बारिश हो रही थी और मछली खाने के बाद आप मुझे शालिनी के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे आप उससे बहुत प्यार करते थे, वो भी आपसे ही प्यार करती थी। आपने सब कुछ बताया था सिवाय एक बात को छोड़कर। कौन सी बात यामिनी? यही कि आप और शालिनी अलग क्यों हो गए थे। आप इसका जवाब बताने ही वाले थे कि बातें करते करते कब आपकी नींद लग गई आपको पता ही नहीं चला, फिर मैं भी सो गई। चलिए कल तो नहीं बता पाए आप, तो फिर आज अभी बता दीजिए कि आखिर आप दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया था जो आपको अलग होना पड़ा। युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप खड़ा रहता है। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए पूछती है, अरे बताइए ना आप चुप क्यों हो गए? युग फिर कुछ जवाब नहीं देता है। युग का चेहरा देखकर यामिनी समझ जाती है कि युग शालिनी के बारे में अब कुछ बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी बात को घुमाते हुए कहती है, चलिए छोड़िए आपको शालिनी के बारे में बातें नहीं करनी तो मत कीजिए, वैसे भी अब आपके दिल से वो शालिनी निकलने वाली है और आपके दिल पर अब मेरा राज चलने वाला है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या कहा तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैंने कहा कल आप वांगला त्योहार में किसके साथ डांस करने वाले हैं? युग उदासी के साथ कहता है, किसी के साथ नहीं, कोई मिला ही नहीं डांस करने के लिए, सोच रहा हूँ कल ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहूं, कहीं ना जाऊं। अरे नहीं युग बाबू जाइए, त्योहार में जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा वहां पर जाकर। युग यामिनी की बात का जवाब देना छोड़ता है और उससे अपने ही मन का सवाल पूछ लेता है, वैसे यामिनी तुम किसके साथ डांस करने वाली हो? यामिनी नर्म लहजे के साथ जवाब देती है, किसी के साथ नहीं युग बाबू, मुझे भी आपकी तरह कोई मिला ही नहीं साथ में डांस करने के लिए। इस वक्त युग और यामिनी दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ डांस तो करना चाहते थे पर एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। जब युग कुछ नहीं बोलता तो यामिनी ही युग से बड़े प्यार से पूछ लेती है, युग बाबू क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? युग के मन में आ तो रहा था कि वो यामिनी को डांस के लिए हाँ बोल दे, पर बार बार उसे शालिनी की याद किसी दीमक की तरह खाए जा रही थी। कई बार हमारे अतीत में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम जब दोबारा दोहराते हैं तो दोहराने से पहले कतराते हैं, हमें लगता है कि कहीं फिर वही सब ना हो जाए जो पहले हुआ था। युग को आज भी याद है कि डांस के दौरान ही वो और शालिनी अलग हुए थे। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, अरे युग बाबू कहाँ खो गए आप, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप मेरे साथ डांस करेंगे या नहीं? जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी युग का जवाब समझ जाती है और उदास होते हुए कहती है, ठीक है यदि आप मेरे साथ डांस नहीं करना चाहते तो कोई। यामिनी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही युग उसे बीच में ही टोकते हुए बोलता है, अरे मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। युग की बात सुनकर यामिनी खुश हो जाती है, वो खुशी से फूले नहीं समाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस मकसद से घाट पर आई थी उसमें वो कामयाब हो गई थी। युग ने यामिनी को डांस के लिए इसलिए हाँ बोल दिया था क्योंकि वो भी यामिनी को धीरे धीरे पसंद करने लगा था, यामिनी उसे पसंद आने लग गई थी, एक जादू था यामिनी में जो वो धीरे धीरे उसका होते जा रहा था। यामिनी हिचकिचाते हुए युग से पूछती है, युग बाबू आपको डांस करना तो आता है ना? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम यामिनी, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं अपने कॉलेज का नंबर वन डांसर। सच में युग बाबू? हाँ रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर युग अपना एक हाथ यामिनी की मक्खन की तरह मुलायम कमर पर रखता है और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर डांस करने की कोशिश करने लग जाता है। पहले तो यामिनी युग को कुछ देर तक एकटक नजर से देखती रहती है, जैसे उसे भी युग का उसके बदन को स्पर्श करना पसंद आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद जब युग उसके साथ डांस करने लग जाता है और अपने कदम यहाँ वहाँ बढ़ाने लग जाता है तो यामिनी अपने आप को रोक नहीं पाती और जोरों से हंसने लग जाती है। यामिनी को हंसता हुआ देख युग मायूस हो जाता है, झट से डांस करना बंद कर देता है और अपना हाथ यामिनी की कमर पर से हटा लेता है।
युग मायूसी के साथ कहता है, क्या हुआ यामिनी, तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया क्या? यामिनी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती है और अपना हंसना जारी रखती है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, यामिनी तुम हंसती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी, तुम्हें मेरा डांस इतना बुरा लगा क्या, तुम अपनी हंसी तक नहीं रोक पा रही हो। यामिनी अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू आपका डांस तो ठीक था, पर ये डांस आपके शहर में चलता होगा, यहाँ पर नहीं चलने वाला। यहाँ पर पारंपरिक डांस चलते हैं। कैसे पारंपरिक डांस यामिनी? देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। हमारे मेघालय में अलग अलग डांस होते हैं जो अलग अलग उत्सव पर किए जाते हैं, उनमें से ही एक है नोह के जोत। क्या कहा, नोह के जोत? हाँ, ये जो डांस होता है वो उत्सव शुरू होने से पहले किया जाता है, जो एक प्रकार का धन्यवाद देने का प्रकार होता है। एक होता है मस्तिया, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, जिसमें नर्तक तलवार और सिंफिया रखते हुए उचित हाव भाव और मुद्रा में डांस करते हैं। युग यामिनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, ये सिंफिया क्या होता है यामिनी? यामिनी फटाक से जवाब देती है, सिंफिया सफेद बालों से बना एक ब्रश होता है। मस्तिया नृत्य में एक प्रकार से लड़ाई या द्वंद का प्रदर्शन करते हैं। शाद पायलून, शाद वेटब, शाद नग, शाद थामा, शाद इयंती, ये जो नृत्य होते हैं ये तलवार के साथ ही किए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ सारे नृत्य तलवार के साथ ही होते हैं क्या? नहीं युग बाबू, ऐसा नहीं है। आपको पता है हमारे मेघालय में तो कृषि नृत्य भी होते हैं। कृषि नृत्य? कैसे कृषि नृत्य? मैं कुछ समझा नहीं, यामिनी जवाब देती है। कृषि नृत्य वो नृत्य होते हैं जो खेतों में किए जाते हैं, जिनमें खेती के विभिन्न चरणों को दर्शाया जाता है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा यामिनी। मैं समझाती हूँ युग बाबू आपको अच्छे से। देखिए, एक होता है तुहाली नृत्य, जिसमें चावल की सिंचित भूमि के मेड़ों या समतल रेखाओं का निर्माण करने वाली महिलाओं का एक दृश्य बनाया जाता है, जहां आसपास के पुरुषों का एक समूह खेत की जुताई कर रहा होता है। एक होता है कृतकेबा नृत्य, इसके अंदर क्या होता है? कृतकेबा काम पर लगे पुरुषों और महिलाओं को उजागर करता है, जो फावड़े को गिराते हैं, जमीन पर मारते हैं, फिर वाघ और मुक्कर संगीत की धुन पर उठाते हैं। एक होता है लुरमासी नृत्य, इसमें गीत और नृत्य की एक श्रृंखला में जुताई के लिए बैलों को शामिल किया जाता है। युग यामिनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यामिनी तुम ये सब छोड़ो और उस डांस के बारे में बताओ ना जो हम कल करने वाले हैं। हाँ बता रही हूँ युग जी, अब आप पूछ रहे थे इसलिए बताने लग गए। कल गांव में शाद पायलू नृत्य होने वाला है, जो एक बड़ा सामूहिक नृत्य होता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ साथ डांस करते हैं। इसमें महिलाएं धीमी गति से डांस करती हैं, क्योंकि वे अपने पैर की उंगलियों से रेंगते हुए नृत्य करती हैं, फिर तीन कदम आगे बढ़ती हैं और फिर खुद को एड़ी से पीछे ले जाती हैं। पुरुष तेज कदमों से अंदर बाहर आते जाते हुए महिलाओं के करीब आते हैं, इस कदम को जारी रखते हुए फिर से तेज भागते हैं। इस स्थिति को गोल घेरे में करते हैं। जब वे झुकते हैं तो अपनी सिंफिया को ऊपर उठाकर पकड़ते हैं, और जब ऊपर उठते हैं तो उसे लहरा देते हैं। समझे युग बाबू आप? युग मुंह बनाते हुए कहता है, कुछ कुछ। यामिनी हंसते हुए कहती है, आपके चेहरे से युग बाबू साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आया। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, करने पर ही समझ आएगा। रुकिए मैं अभी बताती हूँ आपको कि कैसे डांस करना है। इतना कहकर यामिनी युग का हाथ पकड़ती है और उसे डांस सिखाने लग जाती है। यामिनी युग का हाथ पकड़कर उसे डांस की एक एक मुद्रा सिखाई जा रही थी। जिस वक्त यामिनी युग को डांस सिखा रही थी, उस वक्त युग को उसके पास एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। वो सुकून जो उसे कहीं नहीं मिलता था, उसके पास मिल रहा था। अब उसका मन बेचैन नहीं था, शांत हो चुका था। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे युग बाबू कल शाद लक्ष्मी डांस भी हो सकता है। युग धीरे से कहता है, उसके अंदर क्या होता है यामिनी? यामिनी बड़े ही प्यार से जवाब देती है, उसके अंदर युग बाबू महिला और पुरुष एक दूसरे की कमर को बारी बारी पकड़ कर डांस करते हैं। इतना कहकर यामिनी युग का हाथ अपनी कमर पर रखती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। युग भी यामिनी की कमर को कसकर पकड़ लेता है। डांस करते करते यामिनी और युग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वहीं पर ढेर सारे जुगनू भी आ गए थे, जो उनके पास काली रात में जगमग जगमग मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे युग और यामिनी के साथ वो जुगनू के झुंड भी डांस कर रहे थे। वो लम्हा जिसकी कामना हर प्रेमी जोड़ा करता है, वो लम्हा युग और यामिनी को मिल गया था। यामिनी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि ये रात कभी खत्म हो, पर डांस करते करते युग के पैर उसका साथ छोड़ने लग गए थे। अब वो थकने लग गया था। युग यामिनी को डांस करने से मना करते हुए कहता है, बस यामिनी अब कितना नचाओगी, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, कल डांस करने लायक छोड़ोगी या नहीं? यामिनी युग का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहती है, कहां युग बाबू, अभी तो आपने डांस सीखा ही नहीं है। इतना कहकर यामिनी युग के साथ और डांस करने लग जाती है। युग बड़े प्यार से यामिनी से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है, बस यामिनी हो गया, अब मैं और डांस नहीं कर सकता, जितना मुझे सीखना था उतना मैंने सीख लिया, उतना ही बहुत है, अब मुझे बख्श दो। युग के कहने पर यामिनी उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, ठीक है युग बाबू, आप कह रहे हैं तो मैं आपको बख्श देती हूँ, वरना मेरा इरादा तो आपके साथ सुबह तक डांस करने का था। युग यामिनी के साथ मजाक करते हुए कहता है, और क्या क्या इरादे हैं तुम्हारे यामिनी?
यामिनी बड़ी चालाकी के साथ कहती है, इरादे तो और भी बहुत सारे हैं युग बाबू, आप देखते रहिए मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ और आपको क्या क्या सिखाती हूँ, आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, यामिनी बड़बड़ाती है। बकरी को हलाल करने से पहले उसे खिलाना पिलाना पड़ता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा तुमने यामिनी? यामिनी बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा मैं जाती हूँ युग बाबू, मुझे शिकार करने जाना है। युग एकटक नजर से यामिनी को देखने लग जाता है। युग कुछ सोच पाता उससे पहले ही यामिनी हंसते हुए अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, मछलियों का शिकार युग बाबू। युग भी हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है तुम जा सकती हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूंगा। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं नहीं युग बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैंने कहा ना मैं मछलियों का शिकार करने जा रही हूँ, अपने घर नहीं। युग उदासी के साथ कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो इसलिए बोल रहा था अंधेरा बहुत हो चुका है, तुम अकेले कैसे नदी पार करोगी? युग बाबू आप शायद भूल रहे हैं, मुझे अंधेरा ही ज्यादा पसंद है, ये अंधेरा ही मेरा हमसफर है। अच्छा अब मैं जाती हूँ, वरना बातों का क्या, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इतना कहकर यामिनी ने वहाँ से जाने के लिए अभी अपने 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि युग यामिनी को टोकते हुए कहता है, 2 मिनट यामिनी रुको। यामिनी पीछे पलटते हुए कहती है, क्या हुआ अब युग बाबू? यामिनी मनी मन सोचने लग जाती है, लगता है यामिनी के प्यार का जादू चल गया, शिकार जाल में फंस गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।